मेरे हर दे, मेरे हर दे, मेरे हर दे। भाग चार, दिव्य हरदेव। दिव्य रूप हरदेव तुम्हारा, मुग्ध हुआ जिसने भी निहारा। जो देखे फिर देखना चाहे, रूप ये सुंदर रूप ये प्यारा। ज्ञान के प्रकाश पुंज सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का दिव्य रूप अति मनमोहक था। आपके मुखमंडल से झलकता इलाही नूर आपकी दिव्यता को दर्शाता था। आपके साकार स्वरूप में रूहानियत की ऐसी कशिश थी जो हर रूह को अपनी ओर खींच लेती थी। आपके नूर से दिलों में आनंद का सुरूर छा जाता था और आंखों से छलकते नूर और प्रेम की धारा से मानो भक्तों के मन की गागर भर जाती थी। आपकी पावन दृष्टि पड़ते ही हर मन का शुद्धिकरण हो जाता और हर रूह तृप्त हो जाती। आपकी दिव्य मुस्कान एक ऐसा उपहार थी जो सबके जीवन में खुशियों की बहार ले आती, लाखों करोड़ों भक्तों के तपते हुए हृदयों को शीतलता प्रदान करती। भक्त आपकी एक झलक पाकर रूहानी खुशी से झूम उठते और आपकी एक मुस्कान पाने के लिए लालायित रहते। यूं मधुर मधुर मुस्काते हो, मन में अमृत भर जाते हो। जब नजर उठाकर तुम देखो, सुख चैन हमें दे जाते हो। आपके पावन चरणों की महिमा अनंत व अपरंपार थी। उन कोमल व सुंदर चरणों के स्पर्श मात्र से ही तकदीरें सवर जाती और आत्मा आनंद विभोर उठती। चरणों पर शीश झुकाने के लिए भक्तों का मन हमेशा उत्सुक रहता। पावन चरण रज मस्तक पर लगाकर हर भक्त खुद को धन्य महसूस करता। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। मस्तक पर ये जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी। आपकी आनंदमय उपस्थिति में मानो एक आध्यात्मिक लहर सी दौड़ पड़ती। आपके आभा मंडल से संपूर्ण वातावरण भक्ति की सुगंध से महक उठता। आपके तेज से सबकी आत्मा रोशन हो जाती और हर हृदय प्रेम से सराबोर हो जाता। आपकी वाणी से बरसते माधुर्य को हृदय में भरने की उत्सुकता हर भक्त में बनी रहती। आपकी मुबारक जुबां से मीठे अल्फाज सुनने के लिए सबका मन लालायित रहता था। आपकी पावनता ने हर रूह को इश्क हकीकी से सराबोर कर रखा था। भक्तों का मन सदैव सदगुरु हरदेव के सजदे में झुका रहता था। रूहानी इश्क में डूबे हर भक्त को हर रूह में, हर साज में, हर रंग में, हर पल में, हर एहसास में, हर नजर में हर देव नजर आते और भक्त सहज ही कह उठता, तुम ही हो मेरी पूजा, बंदगी भी तुम ही हो, तुम ही हो मेरी सांसें और जिंदगी भी तुम ही हो। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के युग को भक्त वत्सल युग कहना कोई अतिशयोक्ति ना होगी। धन्य है वो भक्त जिन्हें सदगुरु के वात्सल्य का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने सदगुरु की आराधना करने से भक्तों में एक नई उमंग व भक्ति भाव जागृत हुआ। आपके सानिध्य में बिताए गए अविस्मरणीय पलों को याद करके भक्त आज भी रोमांचित हो उठते हैं। आपका भक्तों के घर आंगन में शुभ आगमन पुरातन समय के गुरु शिष्य के पावन रिश्ते की याद दिलाता। जब आपके चरण कमल देश विदेश में रहने वाले भक्तों के घर आंगन को पवित्र करते तो भक्तों की खुशी का ठिकाना न रहता। वो स्वयं को परम सौभाग्यशाली महसूस करते और श्रद्धा के पुष्प अर्पित करके गुरु वंदन करते। सदगुरु का सामीप्य पाकर ही भक्तों को मानो सब कुछ मिल जाता। तुमसे जब ये नजर मिलती थी, अपनी तो किस्मत खुलती थी। राह में गर कोई उलझन आई, एक थपकी से सब टलती थी। जब बाबा जी अपनी प्रेम भरी वाणी से सबका हाल पूछते तो भक्तों का रोम रोम खिल उठता। भक्त वत्सल गुरुदेव हर किसी की बात को पूरे ध्यान से सुनते और उनके दुख दर्द और खुशियों को बांटते। आपके चरणों में बिताए पावन क्षण हर भक्त के हृदय पर हमेशा के लिए अंकित हो जाते। भक्त गा उठते, तेरे चरण मंदिर में जीवन गुजारें, तेरे साथ साहिबा
मौज बहारे। भक्तों के जीवन में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के रूप में दया, करुणा के सागर और प्रेम के स्रोत का मिलना किसी बड़े करिश्मे से कम नहीं था। जिस किसी अनजान ने भी आपको देखा, उसकी रूह समर्पित होकर बिन बोले ही आपकी ओर खिंचती चली गई। एक बार दुबई में एक सज्जन अचानक दौड़ते हुए बाबा जी के पास आए, झुककर अभिवादन किया और अपरिचित होते हुए भी आपसे बड़ी आत्मीयता से अपने मन के भाव कहने लगे। बाबा जी बड़े प्यार से उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए ध्यान से उनकी बात सुनते रहे। वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जाते जाते उन सज्जन ने सेवादारों से कहा, आप लोग कितने खुशनसीब हैं, आप तो रोजाना ही इनके नूर इलाही के जलवे का दीदार करते हैं। आपका अभमंडल इतना तेजमय था कि संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति आत्मिक शांति महसूस करने लगता था। कुछ वर्ष पहले जब आप लंदन गैटविक एयरपोर्ट पर यूरोप की विमान यात्रा के लिए सुरक्षा जांच की ओर बढ़े, तो एक स्थानीय महिला पीछे से भागती हुई अंदर आई और चकित होकर बाबा जी की तरफ इशारा करके ऊंचे स्वर में पूछने लगी, हु इज ही? जब मैंने प्रवेश किया तब मुझे लगा कि यहाँ हॉल अलौकिक प्रकाश से भरा हुआ है और एक अद्भुत सी ऊर्जा महसूस हो रही थी मुझे। आपसे नजर मिलते ही हर कोई खुदी को भूल कर आप में ही खो जाता था और आपकी दिव्यता की ठंडक को अपनी अंतरात्मा में भर लेना चाहता था। इटली के शहर वेनिस में किश्ती चलाने वाला आपके दिव्य तेज को निहारते हुए कहने लगा, किश्ती चलाने में बहुत आनंद आ रहा था, उसने तो पैसे लेने से भी मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं ले सकता, मेरी किश्ती में स्वयं रहबर ही आकर बैठे हैं। सितंबर 2008 में दक्षिण पूर्वी एशिया की मानव कल्याण यात्रा पर आप एक समुद्री तट पर संतों के मध्य खड़े थे। संत भजन गाकर अपनी खुशी का प्रकटाव कर रहे थे कि तभी एक अलौकिक दृश्य देखने को मिला। वहां की एक स्थानीय महिला महापुरुषों के घेरे को तोड़ती हुई आगे बढ़ी और झुककर भाव विभोर होकर बाबा जी के सामने काफी देर तक रोती रही, मानो अपने इष्ट के दर्शन पाकर शुक्रगुजार हो रही हो। वो सिर उठाने को ही तैयार नहीं थी। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। स्थानीय भाषा जानने वाले महापुरुष ने उनसे कहा, आप जिन्हें अपने मन का दुख प्रकट कर रही हैं, क्या आप इन्हें जानती हैं कि ये कौन है? वो महिला अंग्रेजी भाषा नहीं जानती थी। उसने अपनी भाषा में उत्तर दिया, मैं जिनके प्रति श्रद्धा रखती हूं, वो रात को ही मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे बताया कि कल सफेद पोशाक पहने हुए मैं तुम्हें समुद्र तट पर मिलूंगा। सुबह होते ही मैं यहां आ गई और चारों ओर निगाहें घुमाकर देख रही हूं कि वो किधर से आएंगे, कब उनके दर्शन होंगे। जैसे ही बाबा जी को देखा, मेरे अंतःकरण से आवाज आई, यही तो हैं जिनका तू कब से इंतजार कर रही है। जैसे ही इन्होंने मुझ पर निगाह डाली, मुझे ऐसा लगा मेरे प्रभु सामने खड़े हैं। जब उस महिला से पूछा गया कि क्या आपने निरंकारी मिशन या निरंकारी बाबा जी का कभी नाम सुना है, तो उसने ना में सिर हिला दिया। उसकी आंखों से अभी भी आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी और वो महिला सदगुरु बाबा जी के दिव्य स्वरूप को निहारते हुए कभी सिर झुकाती तो कभी हाथ जोड़ती। इस नजारे को देखकर ये विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि सदगुरु सारे संसार के लिए ही अवतरित हुए हैं। एक बार किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर वार्षिक संत समागम में आपके दर्शन करने आए। वो नमस्कार करके आपके तेज से चमकते चेहरे को देखते ही रह गए। आपने झुककर मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया, किंतु वो मंत्रमुग्ध होकर आपकी मनमोहक छवि को अपलक निहारते रहे। लगभग 15 मिनट तक वो अपनी आंखें बंद कर कहीं खो से गए। लोगों के पूछने पर उन्होंने बताया, बाबा जी सच्चे हैं और विशिष्ट हैं, मुझे इनमें अपने इष्ट के दर्शन हुए, मैं इनके नूर को अपने अंतर मन में भरने का प्रयास कर रहा था। आपसे जुड़े इस प्रकार के असंख्य प्रसंग हैं जिनका यहां वर्णन करना संभव नहीं हो पाएगा। आपके प्रेम के वशीभूत संगत हैं, आपकी मोहिनी सूरत की एक झलक पाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से दौड़ी चली आती थी। आपके शुभ आगमन की सूचना पाते ही संगतें घंटों सड़कों पर खड़े रहकर पथ निहारती रहती
और जब आप मुस्कुराते हुए कृपा दृष्टि डालकर संगतों को निहाल करते तो दिलों में उमड़ता प्यार बरबसी आंखों के रास्ते अश्रु बनकर छलक पड़ता। हर एक मन हुआ आज मगन, सबके चेहरे मुस्काए हैं, गुरु हरदेव आए हैं, मेरे हरदेव आए हैं। संत समागम के दौरान शोभा यात्रा एक ऐसा अवसर होता जब गुरुदेव पालकी में खड़े होकर प्रवेश करते और लाखों संतों के हाथ जय घोष के साथ हवा में लहरा उठते। सतगुरु भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते। लाखों की भीड़ में जिस ओर भी आप निगाह डालते तो हर एक को ऐसा लगता मानो आप उसे ही देख रहे हों। भक्तजन अपने अपने प्रदेशों की पारंपरिक वेशभूषा में लोक धुनों पर थिरकते नजर आते। आप भी भक्तों द्वारा दिए गए विभिन्न वाद्य यंत्रों जैसे कि तुम्बा, डफली, चिमटा, नाल आदि बजाकर उन्हें अपार खुशी प्रदान करते। हर्षोल्लास से झूमता हुआ हर चेहरा गा उठता, रूह गदगद हो गई है दातेया तेरे दर्शन करके। खुशबू प्रेमा भक्ति की, मानवता का रंग, जीवन उत्सव बन गया पास सतगुरु का संग। सतगुरु बाबा जी की उपस्थिति मात्र ही भक्तों के लिए एक पर्व का रूप ले लेती। भक्तों के आपके साथ नाम खुमारी में बिताए गए पल उत्सव के रूप में ही बीतते। जब कभी प्रेम में डूबे भक्तों के तन मन आपके सम्मुख खुशी से नाचने लगते तो आप भी पुलकित होते। ऐसे अवसरों को गुरुदेव अपने शब्दों में कुछ यूं बयां करते, ये जो आपके साथ मिलने के मौके मिले हैं तो मन के तार तो वैसे ही जुड़े होते हैं, मन करके तो मिलाप होता ही रहता है, लेकिन इस तरह से जो नजदीकियत मिलती है उसकी एक अपनी ही अलग खुशी होती है। अभी नाचने की भी बात हुई और बात ही नहीं हुई, सब नाचे भी और दास को भी नचा दिया। भक्त जन प्रेम में ऐसा करते आए हैं, परंतु अक्सर इस तरह के शारीरिक रूप में नाचा नहीं जाता, लेकिन जो मन में आनंद होता है, जो मन पूरी तरह से पुलकित होता है, जो उमड़ उमड़ कर प्रेम छलकता है, तो उसके लिए चाहे बाहर लाचारी दिखे लेकिन भीतर तो नाच हरदम चल रहा होता है। मन को जो मिला है मन उसी के कारण नाचता रहता है। अंतर्यामी सतगुरु, तेरा संगीत फिजा में सुनाई देता है, तू निराकार है फिर भी दिखाई देता है। बाबा हरदेव सिंह जी शरण में आए हर जिज्ञासु का नाता परम पिता निरंकार से जोड़कर दिलों में रूहानी प्रेम भरते रहे। आपका संग पाकर सबको पूर्णता का एहसास होता था। आपके दिव्य गुणों की सुगंध और हृदय में सबके लिए बहती हुई प्रेम की धारा आपके अंतर्यामिता का एहसास कराती थी। सदगुरु बाबा जी भक्तों के अंतर मन में उठते हर भाव को जानते थे। आप एक आईने की तरह अंतःकरण का दर्शन करा देते थे। संत जिस भी भाव से आपके पास आते उनके मन की बात आपके मुख से सुनने को मिलती थी। ऐसे लगता मानो किसी के कहे बिना ही आपको उसके मन की बात, दुविधा और आत्मा की पुकार का पहले से ही पता हो। समागम में लाखों लाखों की संख्या में पंक्तियों में खड़े भक्तों को यही महसूस होता कि बिन बोले ही आपकी उनसे बातचीत हो रही है। जब ऐसा मौन भावनात्मक संवाद केवल आंखों व मुस्कान युक्त तरंगों के सहारे चल रहा होता तो भक्तों की आंखों से प्रेम की धारा बह निकलती, मानो गुरसिख अपने अश्रुओं से गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हों। बाबा जी दिव्य भावों के संप्रेषण से ही अपने भक्तों को एहसास करा देते थे कि तुमने जब कभी जहां कहीं भी सच्चे और पवित्र मन से याद किया, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया। ये भी देखा जाता कि किसी भी भक्त के मन में अगर भक्त या ज्ञान पर आधारित कोई प्रश्न होता तो बाबा जी के प्रवचन में स्वतः ही उसका उत्तर मिल जाता। जो बात की है फकत ये नहीं आया तुम पर, तू वो भी जानता है दिल में जो छुपाई है। जो भक्त वर्षों से आपके साकार रूप के दर्शन नहीं कर पाते थे
वो भी निरंकार के एहसास से ही आपके करीब होते थे। भक्तजन जब निरंकार में आपका ध्यान करते तो हजारों मील दूर बैठे भक्त का मन भी दिव्य ऊर्जा से भर जाता। आपका अपनत्व व सहारा सबको अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करता रहा। भक्तों को बड़े से बड़ा काम करने का हौसला प्रदान करता रहा। भक्तों के आधार आप बिना किसी को जताए सबकी नैया के खेवनहार बने रहे। भक्त आपके चरणों में अपनी भावनाएं कुछ इस रूप में समर्पित करते, हर कदम आपका सहारा है, तू ही कश्ती तू ही किनारा है, ये जुबां ले रही है नाम तेरा, तू ही दाता मेरा गुजारा है। भक्त और सदगुरु के दिलों की तारें तो जुड़ी ही रहती थी। भक्त बाबा जी की अनुभूति साकार व निराकार दोनों रूप में करते रहते थे। असंख्य भक्तों की कामनाएं आपके पावन दर्शन, दिव्य वचन व आशीर्वाद से ही पूर्ण हो जाती थी। सदगुरु बाबा जी द्वारा भक्तों के जीवन में जो रहमतें बरसी, उनके संस्मरण सुनाते हुए भक्त आज भी थकते नहीं हैं। इनमें से कुछ दृष्टांत किसी चमत्कार इत्यादि के भाव से नहीं, बल्कि सदगुरु की अनुकंपा को व्यक्त करने के भाव से यहाँ लिखे जा रहे हैं। एक बार सन 1985 में टोरंटो कनाडा में सत्संग भवन के स्थल का निर्णय लेने के लिए आप कुछ स्थानों का अवलोकन कर रहे थे। अचानक साथ आए स्थानीय महात्मा के सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। बाबा जी का मुख दूसरी ओर मैदानों की तरफ था। उस महात्मा ने बाबा जी के साकार रूप में साथ होने के बावजूद निरंकार में अरदास की। तभी बाबा जी ने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा। उस संत ने दर्द में पुकारा, बाबा जी मेरे सीने में तेज दर्द हो रहा है, आप कृपा करें मेरे सीने पर हाथ रखें, मुझे विश्वास है कि मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। बाबा जी समीप आए और उनके सीने पर थोड़ा जोर से हाथ रखा। कुछ ही पलों में उनका दर्द ठीक हो गया। आपकी दिव्य चेतना का क्षेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड में इतना व्यापक व विस्तृत था कि जैसे ही भक्त आपका ध्यान करते तो उनका सीधा संपर्क आपसे जुड़ जाता। उनकी प्रार्थनाएं आप तक इतनी शीघ्रता से पहुंचती कि भक्त चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उनका मन शांत एवं स्थिर हो जाता। आपके ध्यान मात्र से ही संतों में विवेक जागृत हो जाता और सारे कार्य सहजता से संपन्न हो जाते। एक बार एक बहन के जवान भाई की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस संकट की घड़ी में भी उसे निरंकार सदगुरु के ध्यान से असीम शक्ति व कदम कदम पर मार्गदर्शन मिलता रहा। जब उसने दिल्ली आकर बाबा जी तथा माता जी से आशीर्वाद लेते हुए कहा, आप जी के फोन पर धन निरंकार कहने से ही मेरा ध्यान सुमिरन में जुड़ गया और मुझे शक्ति मिली। उसी समय सदगुरु बाबा जी के मुख से सहज ही निकल पड़ा। दास का भी ध्यान वहीं पर लगा हुआ था। एक बार महाराष्ट्र के एक गांव में एक परिवार ने संगत में आसन पर विराजमान सदगुरु स्वरूप महात्मा से अपनी बच्ची के नामकरण की प्रार्थना की। बच्ची का नाम जागृति रखा गया। उसी शाम पता चला कि अगले हफ्ते बाबा जी उस गांव में पधार रहे हैं। पत्नी के मन में आया कि बाबा जी के आने पर नाम फिर से रखवा लेंगे। बाबा जी के आगमन पर पति पत्नी ने नमस्कार करते हुए प्रार्थना की, बाबा जी आप कृपा करो, इस बच्ची का नाम रख दो। बाबा जी ने एकाएक उनकी तरफ देखा और कहा, क्यों जागृति नाम अच्छा नहीं लगा? उसी क्षण परिवार बाबा जी के सम्मुख नतमस्तक हो गया और मन ही मन कह उठा कि पूर्ण गुरुसिख और सदगुरु के शब्दों में कोई अंतर नहीं होता। अक्सर भक्तों को यही समझ नहीं आता था कि वो क्या कहें व कैसे कहें। वर्ष 2011 में बाबा जी और माता सविंदर जी उत्तरी अमेरिका की कल्याण यात्रा पर गए। एक यहूदी मंदिर में आयोजित भव्य समागम के बाद कुछ बाल संत प्यार से बाबा जी से आकर लिपट गए। बाबा जी ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगा लिया। दूर ड्यूटी पर खड़े एक सेवादार भक्त के मन में भी सदगुरु से गले मिलने की इच्छा हुई। संकोच के कारण उसने वो इच्छा अपने मन में ही दबा ली। जैसे ही बाबा जी प्रस्थान करने लगे तो संत ने हल्का सा मुड़कर बाबा जी की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया कि बाबा जी उसकी तरफ ही चले आ रहे थे। बाबा जी आकर उसके सामने खड़े हो गए। वो संत आपको सामने पाकर बेझिझक आपसे गले लग गया। आप हर भक्त की भावनाओं की संभाल करना और हर दिल को
खुशी देना बखूबी जानते थे। भक्तों का ये दृढ़ विश्वास था कि जब सदगुरु बाबा जी के चरणों में मन से अरदास की जाती है तो आप उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। बाबा जी जब कभी अपने भक्तों को शब्दों से लाचार पाते तो स्वयं उनके दिल की बात को समझकर पूरा कर देते थे। एक बार एक भक्त अपने मन में सोचे हुए भवन के नक्शे को हुजूर के सम्मुख न तो बता पा रहे थे और न ही उसे चित्रित कर पा रहे थे। हुजूर ने स्वयं भक्त के हाथ से कागज व पेन लिया और उसके सोचे हुए नक्शे को हूबहू चित्रित करके बोले, आप यही बताना चाह रहे थे ना। भक्त ने हाँ में गर्दन हिला दी और आंखों से आंसू पोंछते हुए कहने लगा, जी सच्चे बादशाह तुसी दिलां दी जानदे हो। कितने ही सज्जन आपके समक्ष आकर अपनी व्यथा रखते और आपसे आशीर्वाद पाकर प्रसन्न होकर वापस लौटते। एक बार किसी गणमान्य सज्जन ने मंडल के एक वरिष्ठ प्रबंधक से बाबा जी से आशीर्वाद दिलाने के लिए अनुरोध किया। प्रबंधक महात्मा उन्हें बाबा जी से मिलवाने ले आए। आशीर्वाद पाकर वो भाव विभोर हो गए। हालांकि महात्मा ने कहा कि आप तो समस्या का हल पूछने आए थे किंतु आप तो कुछ बोले ही नहीं। उन सज्जन का उत्तर था, मुझे जवाब मिल गया, बाबा जी ने बगैर बोले ही मेरी समस्या का समाधान कर दिया। गर हमने तुमसे लफ्जों में कुछ ना कहा तो क्या, हर दिल को तुम पढ़ लेते हो किताब की तरह। बात सन 1986 की है। महाराष्ट्र के एक शहर में सत्संग कार्यक्रम अंतिम चरण में था। बाबा जी के प्रवचन का समय करीब आ रहा था, परंतु सदगुरु बाबा जी का मंच संचालक को संकेत मिला कि कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए। इस बीच सदगुरु बाबा जी बार बार सामने मुख्य द्वार की तरफ देख रहे थे। थोड़ी ही देर में सामने से 20-25 महापुरुष तेजी से आए और नमस्कार करके जैसे ही बैठे, बाबा जी ने माइक मंगवा कर प्रवचन रूप में आशीर्वाद प्रदान किया। सत्संग के पश्चात मंच संचालक महात्मा ने जब उन महापुरुषों से कहा कि शायद आपका ही इंतजार हो रहा था, तो उन्होंने सदगुरु का धन्यवाद करते हुए बताया, हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, अब हम सब प्रार्थना कर रहे थे कि हे सदगुरु हमें अपने चरणों में नमस्कार करने का अवसर अवश्य प्रदान करना, हम बहुत खुश हैं कि बाबा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तू बिन बताए ही हर दिल की जान लेता है, तुझे भी कह के सुनाई तो इल्तिजा क्या हुई। सदगुरु अपना अंतर्यामी स्वरूप भले ही छिपाते रहे, लेकिन गुर सिखों को जब उसका एहसास होता तो उनका सिर सहज ही श्रद्धा से झुक जाता था। मई 1997 में पिथौरागढ़ के स्टेडियम में आयोजित समागम के दौरान बाबा जी ने मंच संचालक को बुलाकर ये घोषणा करने के लिए कहा कि जो महात्मा शामियानों की बल्लियों के करीब बैठे हैं उनसे कहें कि वो बल्लियों को कसकर पकड़ लें। मंच संचालक ने बाहर आसमान में चारों तरफ नजर घुमाकर देखा और सोचा कि मौसम तो बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई है, आंधी के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे, तो अभी अगले वक्ता के बाद उद्घोषणा कर दूंगा। लेकिन वो ऐसा करना भूल गए। इतनी ही देर में बहुत तेज आंधी आई और शामियानों की बल्लियां जमीन से उखड़कर बाहर आ गईं। मंच संचालक ने कार्यक्रम रोककर तुरंत उद्घोषणा की और अपनी इस भूल का एहसास करते हुए बाबा जी की ओर देखकर मन ही मन नतमस्तक होकर क्षमा मांगी। सदगुरु बाबा जी ने भी मुस्कुराते हुए जरा सा सिर हिलाकर उनका भाव स्वीकार किया। दिव्य गुणों के स्वामी, दिव्य गुणों को हम अपनाएं, जीवन बगिया को महकाएं। गुरुदेव हरदेव का व्यक्तित्व प्रेम, विशालता, क्षमाशीलता, सहनशीलता, विनम्रता और परोपकार जैसे सुंदर गुणों से विभूषित था। इन सद्गुण रूपी मोतियों से आप मानव जीवन का श्रृंगार करते हुए सबके चेहरों पर मुस्कान बिखेरते रहे। आपके व्यक्तित्व ने दूसरों को प्रभावित ही नहीं बल्कि प्रकाशित भी किया। शब्दों में कहां वो सामर्थ्य है जो आपके दिव्य गुणों को बयां कर पाए। शब्द तो खुद बौने और मोहताज हो जाते हैं। तेरी खूबियों का बयां करूं वो जुबान नहीं मेरे पास है। तू गुणों की खान है मेहरबान, अवगुण भरा तेरा ये दास है। सहजता, सहज जीवन भक्ति का आधार। बाबा हरदेव सिंह जी में एक अद्भुत शीतलता व ठहराव था। आप हमेशा परम आनंद वाली सहज अवस्था में रहते थे। आप अपने भक्तों को भी निराकार दातार की रजा में प्रसन्न रहकर भक्ति भरा जीवन जीते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा देते थे।
आपने सद्गुरु रूप में होते हुए भी गृहस्थ की सभी जिम्मेदारियों को सहजतापूर्वक निभाया। पिता के रूप में परिवार के साथ हंसी खुशी पल बिताते हुए अपने बच्चों को भरपूर प्यार दिया। उनके साथ पिकनिक, खेलकूद, फोटोग्राफी, स्केचिंग, ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन आदि करते हुए सहज जीवन जीते रहे। कल्याण यात्राओं के दौरान चाहे किसी छोटे से कस्बे के साधारण घर या अतिथि गृह में भी विश्राम करना पड़ा हो, आप एक रस रहते थे। भले ही रात को बिस्तर पर लेटते ही मच्छर भगाने के लिए गोबर के उपले जलाने पड़े हों या टूटे हुए पलंग के पाए पर गाड़ी में रखकर जैक लगवाना पड़ा हो, आपसे कभी किसी भी प्रकार की असहजता, थकान या बेआरामी झलकती दिखाई नहीं दी। यदि कहीं पर किसी भक्त ने गर्म के ऊपर ठंडे या ठंडे पर गर्म का भोग लगाया, आपने सहर्ष स्वीकार किया। आपकी सादगी और समरसता दिलों को छू लेती थी। आपकी सिखलाई थी जैसे निरंकार, इतना सादा व निर्लेप है, सब कुछ करते हुए भी मानो कुछ नहीं करता। वैसे ही हमें भी बाहरी दिखावे में ना आकर मन को इस पावन प्रभु से जोड़कर सादगी युक्त व शुद्ध रखना है। इत्र की भांति सद्गुणों की महक तो अपने आप ही सभी तक पहुंच जाती है। आपकी सहज चाल शुरू से ही सबको प्रभावित करती रही, चाहे आपके पिता बाबा गुरबचन सिंह जी के बलिदान जैसा कठिन समय ही क्यों ना रहा हो। आप अडिग व अविचलित रहकर सबको सहजता प्रदान करते रहे। बाबा गुरबचन सिंह जी के ब्रह्मलीन होने के कुछ दिन पश्चात ही परिवार के एक सदस्य का पूर्व निश्चित विवाह संपन्न कराकर आपने निर्लेप होने का अनूठा उदाहरण दिया। आपका समस्त जीवन जैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति वाली अवस्था का साक्षात प्रमाण था। आपने 2006 में बार्सिलोना स्पेन में यूरोप के संत समागम में अचल अडोल परमात्मा के एहसास से सहज बनने की प्रेरणा देते हुए फरमाया, संसार के साथ तो हम सहज ही जुड़े रहते हैं, मेहनत लगती है इस ठहरे हुए परमात्मा के साथ जुड़ने में। रचना बादलों की तरह बदलती है, भागती है, चलायमान है, लेकिन रचनहार आसमान की तरह कायम दायम रहता है। अगर मन में ठहराव चाहिए तो परमात्मा के साथ नाता जोड़ना जरूरी है, तभी संसार में रहकर भी संसार से न्यारे बने रह सकते हैं। आप अनासक्ति भाव से जीवन जीने की कला सिखाते रहे। पूज्य माता सविंदर जी के बड़े भाई के ब्रह्मलीन होने पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आप व माता जी जैसे ही वाहन में बैठे, तभी कोई भक्त अपने बच्चे के जन्मदिन का केक लेकर आ गया और आपके कर कमलों से उसे कटवाने की प्रार्थना करने लगा। आपने गाड़ी से बाहर आकर केक काटकर परिवार को आशीर्वाद दिया और तुरंत दाह संस्कार में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। आप समझते थे कि सुख की घड़ी और दुख की घड़ी में एक सा आनंद व सहज चाल तभी बनी रह सकती है जब ये ध्यान मालिक निरंकार पर टिका रहे। निरंकार खुद सहज है, इसके साथ नाता जोड़े रखने पर मन को सहजता प्राप्त हो जाती है। आप भक्तों को सहज, सरल व प्रसन्न चित्त रहने की प्रेरणा देते थे। आपका मानना था कि संसार की शोहरत और धन दौलत स्थायी सुख देने वाले नहीं हैं। शाश्वत परम सत्ता को अपनाकर ही शाश्वत आनंद पाया जा सकता है। आनंद की अवस्था सुख दुख से ऊंची है। आप फरमाते थे कि गुरुसिख झूठी प्रतिष्ठाएं लेकर अकड़ता नहीं है, क्योंकि दुनियावी प्रतिष्ठा तो एक ठोकर लगने से चूर चूर हो जाती है। यदि अपनी स्तुति सुनकर खुशी महसूस करते हो तो निंदा होने पर बौखला भी जाओगे, इसीलिए स्तुति का असर ग्रहण न करो। हमेशा यही मानो कि ये मेरी स्तुति नहीं है, मुझ में कोई गुण नहीं है, तो फिर प्रतिष्ठा हमेशा के लिए बनी रहती है। फिर भक्त की अगर स्तुति होती है तो भी सहज, अगर निंदा या निरादर होता है तो भी समरस होता है। आप में ये बहुत बड़ी खूबी थी कि माहौल चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, आप उसमें सरलता से हास्य का रंग भरकर सहज बना देते थे। 68वें वार्षिक संत समागम के अंतिम दिन भी आपने इन्हीं भावों को कुछ इस अंदाज में दोहराया, जिंदगी थोड़ी है, हर पल में खुश हूं, काम में खुश हूं, आराम में खुश हूं, पनीर नहीं है तो दाल में खुश हूं, गाड़ी नहीं है तो पैदल ही खुश हूं, आज दोस्त पास नहीं है तो अकेले ही खुश हूं, कोई नाराज हो गया है उसकी इस अदा से भी खुश हूं, कल जो बीत चुका है उसकी याद में भी खुश हूं, कल जो अभी आया ही नहीं है उसके इंतजार में खुश हूं।
मानव मात्र के लिए आपका अंतिम संदेश भी यही था, एक एक अवसर का, एक एक लम्हे का लाभ उठाएं और एक एक भूमिका जो हम अदा कर रहे हैं उसको खूबसूरती से निभाते चले जाएं। सहनशीलता, क्षमाशीलता और सहन करना, ये इंसान के सबसे बड़े गुण हैं। बाबा हरदेव सिंह जी सहिष्णुता की मूर्ति थे। मंत्र, सब्र, संतोष, धीरज और क्षमाशीलता आपके व्यक्तित्व की पहचान थे। आपका मानना था कि प्रेम ही सहनशीलता को जन्म देता है। आपके भीतर से बहती सहनशीलता को देखकर भक्त भी इस महान आत्मिक गुण से विभूषित होते रहे। आपकी धारणा थी सहनशीलता कमजोरी की नहीं अपितु बल की सूचक है। सन 1980 में जब पिता बाबा गुरबचन सिंह जी का बलिदान हुआ तो उन विपरीत परिस्थितियों में आप सहनशीलता के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। अमन चैन से रहना है तो सहनशील बन जाएं सारे, यह आपका आदर्श वाक्य था। उस समय भी आपने नौजवानों के आक्रोश पर सहनशीलता का बांध बनाते हुए समझाया। बाबा गुरबचन सिंह जी अमन प्रिय थे, हमें भी अमन प्रिय होने का रास्ता अख्तियार करना है। उन्होंने अपने जीवन की एक एक सांस मानवता के गुलशन को सजाने में लगा दी। हमें उसको उजाड़ने की भूल नहीं करनी बल्कि इसकी शाखाओं को फैलाने में अपना योगदान देना है। आपकी क्षमाशीलता ने उनको भी माफ कर दिया जिनके कारण बाबा गुरबचन सिंह जी भक्तों से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। आप मानते थे सहनशीलता और विशालता में ही है भक्ति की अभिव्यक्ति। आप आत्मसंयमता की मिसाल थे। आप में शील प्रवृत्ति और सहने की शक्ति का खूबसूरत समायोजन था। आपने अपनी पूरी जीवन शैली को मानवता की सेवा में इस प्रकार से नियोजित किया हुआ था कि एक घंटे में 3-4 घंटे ही विश्राम करते थे। शेष सारा समय आपने परोपकार और मानवता के उद्धार के लिए समर्पित कर रखा था। लंबी कल्याण यात्राओं के दौरान घंटों गाड़ी में बैठना, कभी पेड़ की छांव में तो कभी गाड़ी में ही विश्राम करना, सड़क के किनारे ढाबे पर ही जलपान आदि ग्रहण करके आगे बढ़ जाना, ये सब आसान काम नहीं थे। अपने शरीर की परवाह किए बिना आप दूसरों की खुशी के लिए आगे बढ़ते रहे। बिना थके ही चलता रहा, कर गया भला संसार का, प्यार प्यार बरसा गया वो एक मसीहा प्यार का। भक्तों के आग्रह पर आप कहीं कच्ची सीढ़ियों से तो कहीं ऊंची पहाड़ियों पर, कहीं कंटीली झाड़ियों वाले रास्तों से मीलों पैदल चले। गर्मियों के मौसम में नहाने के लिए चाहे कहीं पानी गर्म मिला या अनजाने में श्रद्धा से परोसी गई बगैर नमक वाली सब्जी, भक्तों के प्रेम में सब कुछ मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेना आपके हर कर्म से झलकता रहा। मानव कल्याण के लिए व्यस्त दिनचर्या आपके अद्भुत समर्पण भाव की परिचायक थी। प्रतिदिन 2 या 2 से अधिक संगतें करना, अनेक महापुरुषों के घर चरण डालकर उन्हें खुशी प्रदान करना, प्रबंधक महात्माओं का मार्गदर्शन करना, श्रद्धालुओं की याचनाएं सुनकर आशीर्वाद प्रदान करना आपकी दिनचर्या का अभिन्न अंग रहा। शोभा यात्राओं में 8 से 9 घंटे खड़े रहना, समागमों में लगातार 6 से 8 घंटे तक एक ही मुद्रा में बैठना, लाखों भक्तों सज्जनों के अभिवादन को झुककर स्वीकार करना आपके उपकारी जीवन की अद्भुत मिसाल पेश करता है। सहनशीलता की पराकाष्ठा आप में सदैव दिखाई देती रही। इस तरह के हजारों दृष्टांत हैं जब साथ चलने वाले भक्त आपकी सहनशीलता के आगे नतमस्तक हो जाते थे। एक बार एक प्रबंधक ने आपकी अतिव्यस्त दिनचर्या को देखकर गुरुदेव से समय मांगा कि यदि आपका रात्रि भोजन के बाद टहलने वाला समय मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तब गुरुदेव ने कहा कि वो समय पहले ही किसी और संत ने ले लिया है। उस प्रबंधक ने गुरुदेव से पुनः प्रार्थना की कि आप जब सुबह गाड़ी से कल्याण यात्रा पर जाएंगे तब कार में कुछ समय मिल जाए। गुरुदेव ने उनसे कहा कि वो समय भी किसी संत ने ले लिया है, आप सुबह 5 बजे आ जाना। जब वो महात्मा सुबह 5 बजे पहुंचे तो सेवादारों द्वारा पता चला कि गुरुदेव रात को 3 बजे ही सोए हैं। वो महात्मा ये सोचकर घर की ओर चल दिया कि अभी तो गुरुदेव को सोए हुए 2 घंटे ही हुए हैं, अभी जगाना ठीक नहीं है। तभी एक सेवादार द्वारा संदेश मिला कि गुरुदेव उन्हें याद कर रहे हैं।
वो प्रबंधक मुड़कर गुरुदेव के पास आए और कहने लगे कि बाबा जी, आप जी इतनी जल्दी क्यों उठे? पता चला कि आप जी को रात में सोने में काफ़ी देर हो गई थी। गुरुदेव ने कहा, हाँ जी, जब 3 बजे सोने गए तो विदेश से एक फ़ोन आ गया। उन महापुरुषों की बात सुनने के बाद 3:15 बजे सोए। आपको सुबह 5 बजे भी तरोताज़ा देखकर भक्त का मन कह उठा, धन्य है मेरे सतगुरु, धन्य है उनकी परोपकार की भावना, जिन्होंने अपने सोने का समय भी भक्तों के लिए समर्पित कर दिया है। सहनशीलता के बिना आनंदमय जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। सहनशीलता से ऊर्जा जागृत हो जाती है। 2005 में चीन देश में एक जगह किसी महापुरुष ने अपनी चाय की दुकान पर हुजूर को पावन चरण डालने के लिए अरदास की। हुजूर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उनकी दुकान पर चरण डाले। संत ने वहां रखी किस्म किस्म की चाय में से कुछ चाय की पत्तियां हाथ में लेकर आपसे कहा, बाबा जी, इस चाय को पीने से ऊर्जा मिलती है, इस चाय को पीने से गला ठीक रहता है, इसी तरह की और चाय भी है। हुजूर ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए धीरे से पूछा, कोई ऐसी चाय नहीं है जिसे पीकर 2-3 घंटे की नींद लेकर ही 6-7 घंटे की नींद पूरी हो जाए? इस बात को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक बार तो हंसने लगे, लेकिन जब बाद में उस बात की गहराई को महसूस किया तो ये सोचकर आंखें भर आईं कि हुजूर अपना एक एक पल मानवता को समर्पित करना चाहते हैं और उस कार्य में कहीं नींद बाधा न बन जाए इसलिए कम से कम समय सोने में बिताना चाहते हैं। आपने सिखाया कि हमें अपने रुख में लचीलापन रखना चाहिए। एक माता ने आपको चकोतरा फल काट कर भोग लगाने के लिए विनती की। आपने फल का एक टुकड़ा चखा। माता के पुनः आग्रह करने पर 2 टुकड़े और खा लिए। बाद में प्रसाद रूप में जब माता ने स्वयं उसे मुख में डाला तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो कह उठी, गुरुदेव धन्य हैं आप, आपने अपने चेहरे से भी जाहिर नहीं होने दिया कि फल इतना कड़वा है। सभी को खुशी प्रदान करने के लिए आप स्वयं कुछ भी सहन कर लेते थे। आप में सहन करने की शक्ति इतनी प्रबल थी कि एक बार जब रात को एक सेवादार बाबा जी का कुर्ता तह करने लगे तो जेब में से कुछ पेपर नैपकिन निकले जिन पर खून के धब्बे थे। सेवादार ने बाबा जी से पूछा, हुजूर, ये खून के धब्बे कैसे? तो बाबा जी ने इतनी सरलता से जवाब दिया कि जिन घरों में सुबह गए थे उनमें से एक घर में सोफे की कील निकली हुई थी, वो सोफे पर बैठते ही चुभ गई। महापुरुषों को ग्लानी ना हो इसलिए दास ने खून को पहुँच कर नैपकिन अपने कुर्ते की जेब में रख लिया। आप छोटी से छोटी बात जो दूसरों के मन को मायूस कर सकती हो उसके प्रति बहुत सजग रहते थे और बड़ी से बड़ी बात भी खुद सह जाते थे। आप सब्र, शांति और सहनशीलता को गुरसिख के आभूषण बतलाते थे। प्रेम, प्रेम बटोरने का नहीं बांटने का नाम है। बाबा हरदेव सिंह जी के हृदय में निस्वार्थ प्रेम की निर्मल धारा सबके लिए एक समान बहती थी, जिसका बहाव किसी भी परिस्थिति में न कम हुआ न रुका, चाहे किसी से कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए। आप बस प्रेम की खातिर प्रेम करते थे। आपके निश्चल प्रेम में खुदगर्जी व सौदेबाजी जैसी भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। आपके दर्शन करके हर किसी को महसूस होता था कि प्रेम ही प्रभु है और प्रभु ही प्रेम है। भरा प्रेम से रचा प्रेम में प्रेम की निर्मल धारा सा उतर धरा पर आया देखो लिए प्रेम उजियारा सा। एक बार मसूरी में साधु वेश में 2 नौजवान आपके दर्शनों के लिए आए। गुरुदेव के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगे, बाबा जी, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई, ना जाने कैसे आपने हमें मोहित कर लिया। गुरुदेव, यदि आप ठीक समझें तो कृपा करके हमें इसका रहस्य बताएं। गुरुदेव ने बड़े सहज भाव में कहा, आप सज्जन पुरुष हैं, सज्जन पुरुषों को हर कोई अच्छा लगता है, इसमें महानता आपकी है, मेरी नहीं। वो दोनों नौजवान एक साथ बोल उठे, आप सचमुच महान व्यक्तित्व के स्वामी हैं, आप हमें बताएं कि आप में ऐसा कौन सा गुण है जिससे पहली नजर में ही देखकर हम आपके हो गए हैं। गुरुदेव ने फिर हंसते हंसते कहा, मुझे तो पता नहीं कि मुझमें क्या गुण हैं। हाँ, मैं दिल से सबसे प्यार और सबका सत्कार करता हूँ। हो सकता है उसी प्यार और सत्कार का परिणाम हो
या फिर आप ही अपना प्यार मेरे प्रति प्रकट कर रहे हों। मेरा विश्वास है कि प्यार ही प्यार को जन्म देता है। वो गुरुदेव के ऐसे मधुर व्यवहार से अभिभूत हो उठे। रहे बांटते वो हर पल प्यार बेहिसाब, हर शख्स महक उठता था जैसे कोई गुलाब। आपका दृढ़ विश्वास था प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। किसी ने आपसे पूछा कि बाबा जी हम तो प्रीत प्यार के भावों से युक्त रहते हैं, परंतु सामने से यदि प्रेम नहीं मिले तो क्या करें? आपने सहज भाव से उत्तर दिया, प्रेम की खुराक दुगनी कर दो। आपसे जब किसी गुरुसिख ने दूसरे तरीके से पूछा, बाबा जी आपसे तो सब प्यार करते हैं पर आप किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? तो आपने फरमाया, जो भक्त दूसरे भक्तों से प्रेम करता है दास उससे प्रेम करता है। ऐसा प्रेम बिखेरा सारे बंध गए प्रेम के बंधन में, कोई गैर रहा न वैर रहा सब आ बैठे इस आंगन में। आप दूसरों को प्रेम बांटने वाले ही नहीं बल्कि दूसरों के मन में प्रेम उपजाने वाले भी थे। एक बार आपने एक नेपाली संत से कहा, आपके गांव आएंगे और आपके घर पर ही विश्राम करेंगे। उस संत को बहुत खुशी हुई पर साथ ही घबराहट भी होने लगी, क्योंकि उसके पास तो इतने रुपए भी नहीं थे कि वो अपनी छोटी सी झोपड़ी को ठीक ठाक करके सही ढंग से गुरु की सेवा सत्कार कर सके। उसने खुशी से मन ही मन आपसे अरदास करके सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया। आपने कौन सा घट उसकी मदद के लिए चुना ये तो वो जाने या आप, पर वो अपने मन के अनुरूप गुरुदेव की सेवा सत्कार कर पाने में सफल रहा। आपने उसकी कुटिया में जाकर रात्रि में विश्राम किया और सुबह उठकर कहने लगे, बहुत दिनों के बाद अच्छी नींद आई। पूरे गांव में ये चर्चा फैल गई कि भक्त की कुटिया में स्वयं सद्गुरु पधारे हैं। दर्शन करने वालों का तांता लग गया और विशाल सत्संग का रूप बन गया। गुरुदेव और भक्तों के निश्चल प्रेम में कोई भी वस्तु बाधा न बन सकी। एक ग्रामीण बुजुर्ग माता बड़ी श्रद्धा से अपनी बंद मुट्ठी में कुछ लिए नमस्कार की लाइन में बढ़ती चली आ रही थी। पास खड़े एक सेवादार के मन में जिज्ञासा हुई कि उस माता की मुट्ठी में क्या है। थोड़ी देर में जैसे ही वो बाबा जी के पास पहुंची, सेवादार ने देखा कि माता की हथेली में एक बर्फी का टुकड़ा है जो कि गर्मी के दिनों में मुट्ठी कसकर बंद करने की वजह से दबकर चूर चूर हो चुका है। सेवादार को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि माता ने भोग लगाने के लिए हाथ आगे किया हुआ है और बाबा जी बड़े चाव से माता की हथेली से ही भोग लगा रहे हैं। प्रेम को प्रेम से स्वीकार करना आपको ही आता था। प्रेम बांटने से बढ़ता है, प्रेम से सबको नवजीवन मिलता है। ये केवल आपके मुख से निकले आदर्श वाक्य ही नहीं थे बल्कि आपको प्यार में सबका दिल रखकर खुशी प्रदान करना अच्छा लगता था। एक बार किसी बच्चे ने आपको प्यार से आग्रह करते हुए कह दिया, बाबा जी जब तक मैं स्कूल से वापस ना आऊं आपने जाना नहीं है। तो आप वहीं रहे, गए नहीं। किसी माता ने आपको 50 रुपए देकर विनती कर दी तो सीधा जूस पीना है, तो आपने बात मान ली। किसी ने प्रेम से उपहार में जो कुछ भी दे दिया आपने उसे हृदय से स्वीकार कर लिया। आपकी हर पल यही इच्छा रहती कि आपके हर काम से सबको खुशी मिल जाए, चाहे वो खुशी किसी के घर चरण डालने से, आपके साथ फोटो खिंचवाने से, आपके हाथों से केक कटवाने से, आपके कविता या गीत गाने से मिलती हो, या आपके विभिन्न प्रांतीय वेशभूषा पहनने से, आपके मुस्कुराने से, आपकी एक झलक पाने से, आपकी सब पर निगाह डालने से, आपके हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकारने से, आपके चरणों में नमस्कार करने से, आपका हाथ सिर पर रखवाने से, आपको भोग लगाने से, या आपके गाड़ी में खड़े होकर दर्शन देने से ही क्यों न मिलती हो। इतना ही नहीं, आपके द्वारा विभिन्न स्थानीय भाषाओं में धन निरंकार कहने से, भक्तों के संग कदम थिरकाने से, कस्बा गांव नगर देश विदेशों में समागम रचाने से, किसी के आंसू पहुंचने से, अथवा किसी की बात सुनकर तसल्ली और आशीर्वाद देने से मिलने वाली खुशी से आप स्वयं भी खुश होते दिखाई देते थे। आप हर उस काम को बिना रुके बिना थके बार बार करते चले गए जिससे सबके दिलों में प्यार बढ़ता रहा। बाबा जी की हुजूरी में हर कोई खुशी से
खुद को भूल जाता था। गढ़वाल के गांव में सत्संग समारोह संपन्न होने के पश्चात एक माता ने बाबा जी से विनती की, बाबा जी आप मेरे घर भी चरण डालो, मेरा घर बिल्कुल समीप ही है। बाबा जी ने हां में स्वीकृति दी और चल दिए उसके घर की ओर। माता थोड़ा सा और कहती कहती दूर पहाड़ी की चोटी पर स्थित अपने घर तक बाबा जी को ले गई। वहां पहुंचने पर उसे ध्यान आया कि वो चाबी तो लाना भूल ही गई। वो बोली, मेरे बाबा जी मेरी चाबी तो वक्की छूट गई। बाबा जी मुस्कुरा दिए। उस माता ने घर के बाहर खड़े होकर संगत के प्रसाद का ही भोग बाबा जी को लगाया और अपना दामन फैला दिया। बाबा जी उस माता के भोले भाव पर रीझ कर मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देकर अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़े। आप जी कर सिखाते रहे कि प्रेम देने का नाम है। कोई कहता साकार हो तुम, कोई कहता निराकार हो तुम, तुम ही प्रेम के सागर हो, हर जीवन का आधार हो तुम। भक्त जितना प्रेम आपसे करते थे उससे कई गुना अधिक आप भक्तों से प्रेम करते थे। समागम ग्राउंड में बाबा जी का यही ध्यान होता था कि मुख्य मंच पर लाइट की कुछ ऐसी व्यवस्था हो ताकि आप एक एक भक्त को निहार सकें। आप विशिष्ट अतिथियों को भी एक एक कर मिलवाने का सुझाव देते थे ताकि कतारों में आ रहे भक्तों के दर्शनों में बाधा न पड़े। उत्तर प्रदेश की कल्याण यात्रा के दौरान एक सत्संग की समाप्ति के बाद बाबा जी मुख्य मंच पर खड़े होकर हजारों श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। एक महात्मा हाथ में दो अमरूद लिए तेजी से मंच के करीब आए। बाबा जी की यात्रा में साथ आए एक संत ने वो अमरूद ले लिए। संत ने सोचा कि इतने जनसमूह में बाबा जी को कहां ध्यान रहेगा। कुछ समय बाद सत्संग भवन पहुंचकर बाबा जी ने ड्राइवर महात्मा से कहकर वो अमरूद मंगवाए तो वो संत हैरान रह गया कि बाबा जी अपने भक्तों के हर छोटे बड़े भाव का कितना सम्मान करते हैं और उस भावना को प्रेम पूर्वक स्वीकार करने के लिए कितने आतुर रहते हैं। बाबा जी जब भी भक्तों के साथ होते तो समय की सारी सीमाएं पार हो जाती थीं। एक बार राजस्थान की कल्याण यात्रा के दौरान अचानक सड़क पर भक्तों का एक समूह दिखाई पड़ा। सदगुरु ने वाहन चालक संत को गाड़ी रोकने के लिए कहा। वहां खड़े भक्तजन बाबा जी को अनुरोध करके अपने खेतों में चरण डलवाने ले गए। एक भक्त ने पेड़ के नीचे चारपाई पर अपना मारवाड़ी साफा खोलकर बिछा दिया और आपको सम्मान पूर्वक बिठाया। भक्तों की बातें थीं कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थीं और गरीब नवाज सदगुरु अपने भोले भाले भक्तों की भोली बातों पर रीझ कर उन्हें निहाल करते रहे। आप प्रेम को भक्ति और आनंद का द्वार मानते थे, इसके लिए आपने एक दिव्य किसान की भांति पूरे विश्व में मानव जीवन की धरती में प्रेम के असंख्य बीज बोए। आप कहते थे कि दिलों की धरती को उपजाऊ व प्रदूषण रहित बनाने के लिए हमें प्यार के बीज बोने होंगे, फिर उन प्यार के फूलों से चारों ओर अमन चैन मिलवर्तन की क्यारियां सजेंगी जो चप्पे चप्पे को गुलजार बनाकर धरती को निरंतर सजाएंगी संवारेंगी। प्रभु के साथ जुड़े भक्तों के जीवन में प्रेम की लहर फूटती है। वो स्थान सुहावना हो जाता है जहां गुरुमुख का बसेरा होता है, क्योंकि गुरुमुख में प्रेमा भाव होता है। इसके लिए आप स्थान स्थान पर विशाल मैदानों में संत समागमों का आयोजन करवाते, जहां भक्त सेवा के रूप में मैं का दान करते हुए प्रेम रूपी बीज बोते, फिर निरंकार के एहसास से भरे उपजाऊ वातावरण में उन प्रेम के बीजों को सत्संग रूपी खाद दिलवाते। आपके दिव्य दर्शन एवं अमृत वचनों की वर्षा प्रेम की फुहार बनकर मनों को सींचने लगती, फलस्वरूप हृदय में प्रेम के अंकुर फूटने लगते। देखते ही देखते संत समागम के उन मैदानों में सबके मनों में स्नेह की अनगिनत बेलें जन्म लेने लगती, मानो प्रेम की खेती लहलाने लगती। शुद्ध भावनाओं के फल समागम से ले जाकर संत जब अपने परिवार और समाज में बांटते तो वहां भी शुद्ध प्रेम पनपने लगता। आप व्यक्ति से परिवारों में, परिवारों से समाज में भाईचारा स्थापित करते हुए संपूर्ण विश्व को प्रेममय बनाने का हर संभव प्रयास करते रहे। 68वें वार्षिक संत समागम में गुरु वंदना के अवसर पर भक्तों के प्रति असीम प्रेम का इजहार आपने कुछ इस प्रकार किया। आज 9 घंटे का 3 मैदानों का ये सफर किस प्रकार से अपने आप में एक अद्भुत नजारा था,
जहां पर अनेक रूपों में भिन्न भिन्न प्रांतों के सुंदर रूप देखने को मिले। सेवा दल के जवान जो लगातार सेवाएं करते हुए इस सत्संग पांडाल में नहीं पहुंच पाते और जब वहां आंख से आंख मिलती है तो एकदम उनकी आंखें छलक जाती हैं। उनको कैसी खुशी महसूस होती होगी कि एक नजर मिल गई और सारी थकावट जैसे कहीं भाग गई। इस प्रकार से ऐसा एक प्रेम और उसका सीधा सीधा नजारा देखने को मिलता है। वो प्रेम की महसूसियत हूबहू होती है और दास की भी कोशिश वही रहती है कि अधिक से अधिक भक्तों से निगाहें मिल पाएं। आपकी खुशी में शुमार होकर खुशी दुगनी हुई। दातार कृपा करे कि ये खुशियां हमेशा बनी रहें। करुणा, दया और करुणा की नींव पर धर्म की इमारत टिकती है। सदगुरु बाबा जी के दयालु हृदय में सबके प्रति करुणा व सहानुभूति के भाव ही रहते थे। आपका हृदय किसी भी मानव की पीड़ा देखकर द्रवित हो जाता था। आप उन्हें जल्द से जल्द सुकून देने के लिए आतुर हो जाते थे। आपके पास जब भी कोई अपनी व्यथा लेकर आता तो आप अपनी मीठी सी मुस्कान से एक आत्मीय की भांति उसके हृदय की कथा व्यथा को पूरी तन्मयता से सुनते। उसकी पीड़ा अपने विशाल हृदय में समाहित कर उसकी पीठ थपथपाकर तसल्ली देते। निरंकार भली करेगा, आशीष देकर भरोसा दिलाते। आपका अच्छा कहना ही मानो अच्छा होने का वरदान होता था। 3 जुलाई सन 1983 की यह घटना गोरखपुर की है। पेड़ की ऊंचाई से गिरने के कारण एक महात्मा गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में लेटे हुए सदगुरु बाबा जी को याद किए जा रहे थे। सौभाग्यवश सदगुरु बाबा जी कल्याण यात्रा के दौरान उसी शहर में पधारे और भक्त को आशीर्वाद देने अस्पताल पहुंच गए। सदगुरु जब उनके पास आए तो महात्मा फूट फूट कर रोने लगे। बाबा जी ने कहा, रोना नहीं है, संत हमेशा निरंकार प्रभु का आसरा लेते हैं। महात्मा ने भावुक होकर सदगुरु से कहा, बाबा जी इसलिए रोना नहीं आ रहा है कि पीड़ा है, बल्कि रोना इस बात पर आ रहा है कि हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, आप सम्मुख खड़े हैं पर दास आपके चरणों का स्पर्श नहीं कर पा रहा। बाबा जी ने धीरे से अपने चरण को ऊपर उठाया और उस भक्त के मस्तक के पास ले गए। तुरंत उस भक्त ने गर्दन मुड़कर नयन झुकाकर पलकों से ही चरण स्पर्श किया और कहा, बाबा जी आशीर्वाद दो, मैं ठीक हो जाऊं। बाबा जी मुस्काए, भक्त के सिर पर हाथ रखा और पूरे परिवार को आशीष देकर लेकिन फिर पीछे मुड़कर देखा और कहने लगे, जल्दी से ठीक होकर संगत में आना और गीत सुनाना। और ऐसा ही हुआ। आपकी कृपा ने न केवल उस भक्त को कुछ हफ्तों में ही संगत में उपस्थित होने योग्य बना दिया, बल्कि उन्होंने आकर अपनी भोजपुरी रचना गुरु की ऊंचाई हम कितना बताई से सारी साध संगत को निहाल भी किया। हकीकत तो यही है कि आपका दीदार कर लेना ही हर पीड़ा व हर समस्या का हल होता था। कई बार दूसरे शहरों से किसी रुग्ण संत को एम्बुलेंस या किसी वाहन में आपके पास लाया जाता तो आपका करुण हृदय न कड़कती धूप देखता न ठिठुरती ठंड। आप स्वयं बाहर जाकर उनकी गाड़ी के पास खड़े होकर स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद देते। इतना ही नहीं, उनके कहे बिना ही उनको यथासंभव इलाज के लिए सहायक महात्माओं से जोड़ देते और रात रात भर उनकी बेहतरी का हाल पूछते। इस तरह से बाबा जी दूसरों की तकलीफ को गहराई से महसूस करते और उन्हें ऐसा एहसास करवाते मानो आप स्वयं उसी परिवार के अंग हों। हर एक का दर्द तुमको, सबकी तुमको फिकर है, क्योंकि हर एक बशर के दिल में तुम्हारा ही घर है। एक बार एक बुजुर्ग भक्त आपके साथ सैर कर रहे थे कि अचानक उनको सीने में भारीपन महसूस हुआ। वो वहीं गिरकर अचेत हो गए। बाबा जी स्वयं उन्हें गंभीर अवस्था में समीप स्थित डिस्पेंसरी में लेकर गए, ऑक्सीजन लगवाई और परिवार को सूचना पहुंचाई। जब परिवार व उनके बच्चे डिस्पेंसरी पहुंचे तो देखा कि वो निढाल अवस्था में बिस्तर पर लेटे थे। बाबा जी ने उनके माथे पर हाथ रखा हुआ था और डॉक्टर से बात कर रहे थे। कुछ समय बाद उस महात्मा को होश आया तो बाबा जी को सामने देखते ही उनकी आंखें छलछला उठीं। वो बिस्तर से नमस्कार करने के लिए उठने लगे
तो बाबा जी ने कहा, आप आराम करें। डॉक्टर के अनुसार सदगुरु होते हुए भी बाबा जी उस भक्त की पुत्र के समान देखभाल कर रहे थे। एक बार रात के समय बाबा जी की गाड़ियों के आगे चल रही मिनी बस एक ट्रॉली से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पूज्य माता जी ने बाबा जी के चरण स्पर्श की और प्रार्थना की, बाबा जी आप आशीर्वाद दो, इनमें से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और स्वयं मिनी बस के अंदर जाकर संतों की संभाल शुरू की। तभी किसी ने ट्रॉली चालक को डांटना शुरू किया तो बाबा जी ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, आप उस पर गुस्सा ना करें, बल्कि देख कर आएं कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। जब संत वापस आए तो देखा कि बाबा जी और माता जी सभी को प्यार से संभाल रहे थे। बाबा जी का कुर्ता खून से सना हुआ था और स्वयं सबको अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध करवा रहे थे। भक्त करुणामय सदगुरु बाबा जी के उपकारों को याद करके आज भी भाव विभोर हो जाते हैं। एक बार बाबा जी कश्मीर से आ रहे थे। रास्ते में सड़क पर गिरे एक ट्रक में से भेड़ बकरियों के मिमियाने की आवाजें आ रही थीं। बाबा जी ने तुरंत ड्राइवर महात्मा से कहा कि महापुरुषों से कहो पहले जो ट्रक गिरा हुआ है उसके अंदर देख कर आए, किसी को चोट तो नहीं लगी है। बाबा जी के कहने पर महात्माओं ने घायल ड्राइवर व जानवरों की प्राथमिक चिकित्सा की। उसके बाद ही काफिला आगे बढ़ा। आपको सड़क चलते हर राही की सुरक्षा का ध्यान रहता था। दर्द किसी को होता था तो दर्द तुम्हें भी होता था। दुख से कोई रोता था तो तेरा दिल भी तो रोता था। आप स्वास्थ्य से मजबूर भक्तों के घर या अस्पताल जाकर भी उन्हें आशीर्वाद देते, उनके साथ कुछ पल गुजार कर उन्हें अपनेपन का एहसास देते। जब किसी भक्त परिवार में कोई शरीर छोड़ जाता तो सांत्वना देने के लिए बाबा जी यथासंभव वहां पर जरूर जाते या उन्हें अपने पास बुलवाकर आशीर्वाद देते। परिवार के साथ कुछ देर बैठकर उस ब्रह्मलीन संत के साथ बिताए पलों का स्मरण करते व परिवार के बिछोह की सारी पीड़ा हर लेते। आपका दुलार एवं आशीर्वाद पाकर परिवार को बहुत बड़ा सहारा मिल जाता था। सदगुरु रूप में भी आप कई बार किसी अनुयायी की अंतिम यात्रा में कंधा देते नजर आते। ये सादगी व सरलता ही तो मानवता की नींव है, जिस पर आप स्वयं चलकर भक्तों को अपनत्व का पाठ पढ़ाते रहे। यही कारण था कि हर भक्त आपको अपना महसूस करता रहा। अपनत्व, अपने से वो सब कुछ दूर कर दो जो तुम्हें शेष सबसे अलग करता है। गुरुदेव का हृदय उदार, विशाल एवं क्षमाशील था। आपके हृदय में हर किसी के प्रति अपनत्व का भाव हिलोरे लेता रहता था। आप इतने अपनेपन से बात करते थे कि सामने वाले का मन भर आता था और वो हमेशा के लिए आपका प्यार बन जाता था। प्यार प्यार में सबको समझा देना, सबको उत्साहित रखना, सबका दिल रखना, वायदा निभाना, सबकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना आपके स्वभाव में शामिल था। आपके परिवार में सबके मन में खून के रिश्ते से पहले गुरसिखी का रिश्ता रचा बसा था, जहां बड़ों का सत्कार होता एवं छोटों को प्यार मिलता। परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखना आपको बेहद प्रिय था। जब भी आप दिल्ली में होते तो सारे परिवार के साथ मिल बैठकर भोजन करना पसंद करते थे। सबको इकट्ठे व खुश देखकर आपकी खुशी खिलखिलाहट के रूप में प्रकट उठती थी। इस प्रकार परिवार में सदा उत्सव सा माहौल रहता था। आप चाहते थे कि कोई भी पल ऐसा ना जाने दें जिसमें खुशी ना मना लें। आपका ये प्यार दुलार केवल अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि विश्व भर में फैले मानव परिवार तक फैलता रहा। आप कहते थे कि ये 8-10 सदस्य ही मेरा परिवार नहीं है, अपितु पूरी साध संगत ही मेरा परिवार है। आप संतों के आग्रह पर अपना जन्मदिन व हर उत्सव तथा पर्व साध संगत रूपी विशाल परिवार के साथ ही मनाया करते। जब राखी का त्योहार होता तो बाबा जी की कलाई पर राखी बांधने का सिलसिला घंटों तक चलता। अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को इतना विस्तार देना व उन्हें निभाना आपके जैसा कोई अति विशाल हृदय ही कर सकता था। आपका कहना था, किसी भी संत को इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि यहाँ कोई रिश्ते नातों के लिए सोचा जाता है।
दास तो जन्म से गुरुमुखों महापुरुषों के हाथों में खेला है, इसलिए सारे गुरुमुख ही दास के रिश्तेदार हैं। आपके संपर्क में आने वाले हर सज्जन को आपका भरपूर स्नेह व अपनत्व मिलता रहा। अगर किसी ने आपको पिता के रूप में देखा तो उसे पिता का स्नेह मिला, किसी माता ने पुत्र के रूप में देखा तो उसे पुत्र का प्रेम मिला, किसी ने बंधु व सखा के रूप में देखा तो आप उसके बंधु व सखा बन गए। एक बार मध्य प्रदेश की प्रचार यात्रा पर आए एक प्रचारक महात्मा से एक बहन ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, महात्मा जी, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, मेरा कोई भाई नहीं है और बाबा जी को राखी बांधने का ध्यान है। महात्मा जी ने मन ही मन सद्गुरु से प्रार्थना की और उस बहन को कह दिया कि दास आपकी राखी बाबा जी तक पहुंचा देगा। बहन ने एक राखी और कुछ टॉफियां रखकर प्रचारक महात्मा को दे दी। अगले ही दिन पता चला कि बाबा जी कल्याण यात्रा के दौरान उस प्रचारक महात्मा के शहर में ही आ रहे हैं। वो प्रचारक महात्मा अपनी प्रचार यात्रा वहीं समाप्त करके वापस अपने शहर पहुंच गए। हुजूर से मिलने पर महात्मा ने बाबा जी के चरणों में वो राखी भेंट कर दी। अगली सुबह रक्षाबंधन के दिन प्रचारक महात्मा ने देखा कि उस बहन की राखी अन्य राखियों के साथ बाबा जी की कलाई पर बंधी हुई थी। सद्गुरु एक पिता की तरह संगत के एक एक सदस्य को अपना प्यार व दुलार देते थे। जब तक पंडाल व लंगर आदि में सेवा कर रहे एक एक गुरसिख की नमस्कार नहीं हो जाती थी, तब तक आप अपने आसन पर विराजमान रहते थे। वर्ष 2004 में महाराष्ट्र के एक गांव में बाबा जी की पावन हुजूरी में सत्संग का आयोजन हुआ। कुछ संतजन बाबा जी को अपने मन की भावनाएं कागज पर लिखकर दे रहे थे। रात को जिस परिवार में भोजन की व्यवस्था थी वहां भी संगतें खड़ी थीं। एक संत ने बाबा जी से कहा, हुजूर, दास ने आपको चिट्ठी दी थी, आपने हाथ तुरंत चिट्ठियों से भरी अपनी जेब में डाला और उसमें से एक चिट्ठी निकालते हुए कहा, यही है ना आपकी चिट्ठी। सारे भक्त हैरान रह गए कि सफर के दौरान गाड़ी में भी आप भक्तों की याचना भरे पत्रों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालकर उनके कार्य संवारते रहते हैं। भक्तों की छोटी से छोटी भावनाओं का सम्मान करके आप सिखाते रहे कि जीवन में दूसरों की भावनाओं का आदर करना कितना जरूरी है। दिल्ली में निरंकारी सरोवर परिसर में दिव्य यात्रा संग्रहालय के निर्माण कार्य के दौरान कुछ आर्किटेक्ट म्यूजियम के डिजाइन पर विचार विमर्श करने के लिए खड़े होकर आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपके आगमन की खुशबू कहाँ रुकती थी। आपके आने से पहले ही वहां बड़ी संख्या में संगतें एकत्रित हो चुकी थीं। आपके वहां पहुंचने पर भी कुछ ऐसा नजारा था कि इधर आर्किटेक्ट अपना नक्शा खोले खड़े हैं, उधर आप गेट के बाहर और सरोवर के अंदर खड़ी संगतों को निहारते हुए हाथ जोड़कर उनकी नमस्कार परवान कर रहे हैं। संगतों से प्रेम व उनका सत्कार आपकी नजर में सबसे ऊंचा था। 15 नवंबर सन 2011 को गुरु वंदना के अवसर पर आपके शब्द थे, ये जो साध संगत रूपी परिवार मिला है इसका कोई मोल चुकाया नहीं जा सकता। इसी साध संगत के बीच में हमेशा ही समय बिताने को मिलता है। बचपन से ही साध संगत का पूरा पूरा प्यार सत्कार मिलता आया। दिल्ली में हो, दिल्ली से बाहर हिंदुस्तान के किसी हिस्से में चले जाएं या विश्व के किसी मुल्क में चले जाएं, हवाई अड्डे पर उतरने से रवानगी तक तमाम समय संगतों के बीच ही बीतता आया है। दास अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता है कि ऐसा परिवार दातार की कृपा से प्राप्त हुआ है। 23 फरवरी सन 2013 को अपने जन्मदिन के अवसर पर आपने फरमाया, खुदा के बाद बस इस लब पर नाम है तेरा, यानी कि निरंकार के बाद साध संगत का नाम जुबां पे रहता है। अपने हृदय सम्राट सदगुरु बाबा जी को भक्त जब एक साधारण गुरसिख की भांति आचरण करते देखते तो उनके मन प्रेम से भर उठते। एक बार यात्रा के दौरान रास्ते में खड़े महापुरुषों को दर्शन देने की वजह से अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने में देर हो रही थी। आपने सोचा कि आगे के कार्यक्रम स्थल पर सूचित कर दिया जाए। आपने स्वयं अधिकारी महात्मा को फोन किया पर उनका फोन नहीं मिला तो स्थानीय भवन का नंबर डायल कर दिया। एक संत ने उधर से फोन उठाया तो बाबा जी ने कहा, धन निरंकार जी, वो दिल्ली से कोई अधिकारी महापुरुष आए हुए हैं। तो वो महापुरुष बोले, हाँ जी, वो आए हुए ने, पर वो बाबा जी नू लैण वास्ते गए हुए ने। बाबा जी ने कहा, अच्छा, कितनी देर हो गई?
तो उस महापुरुष ने कहा, देर तो बड़ी हो गई है, लगता है बाबा जी रस्ते विच भक्तों नूं दर्शन देण करके लेट हो गए ने। बाबा जी ने कहा, अच्छा। वो महापुरुष आगे पूछने लगे, आप जी कौन बोल रहे हो? बाबा जी ने कुछ कहने के बजाय तुरंत अपने साथ बैठे संत को फ़ोन दे दिया और उन्होंने फ़ोन पर महापुरुषों से कहा कि आप हुजूर बाबा जी से ही बात कर रहे थे। उस महापुरुष ने तू ही निरंकार कहकर हड़बड़ाकर टेलीफोन बंद कर दिया। बाबा जी खिलखिलाकर हंसने लगे। जब आप सत्संग भवन पहुंचे व गाड़ी से उतरे तो साथ वाले महापुरुष ने हंसते हुए पूछा, वो महापुरुष कौन थे जिन्होंने बाबा जी का फोन सुना था? वो एकदम दौड़े आए और बाबा जी के चरणों से लिपटकर रोने लगे। बाबा जी ने उन्हें उठाते हुए पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो वो बोले, बाबा जी मैनू माफ़ कर दियो, मैनू पता नहीं इसे आप जी बोल रहे हो। उनके आंसू निकले जा रहे थे। बाबा जी ने फिर उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं की आपने। वो बोले, बाबा जी मैं एक साधारण इंसान की तरह आपसे बात करता रहा, मैंने आप जी को बातचीत में वो सत्कार नहीं दिया। बाबा जी उस भक्त को लगातार प्यार देते रहे। ऐसा अक्सर होता था कि बाबा जी की सादगी और अपनेपन के सम्मुख भक्तों के आंसू ही उनकी वाणी बन जाते थे। उस समय बाबा जी भी पूरी दुनिया की खुशियां और रहमतें उनकी झोलियों में डाल रहे होते थे। आप पूर्ण सद्गुरु के रूप में भक्तों के साथ एक पिता की तरह अपनत्व का भाव रखते थे। एक बार किसी भक्त के घर जब आपने अचानक चरण डाले तो परिवार के सदस्य प्रेमवश हड़बड़ाकर आपके सम्मुख जलपान रखना भूल गए और दूसरे कमरे में जाकर चरणामृत आदि बनाने की व्यवस्था करने लगे। वैसे भी आपके दर्शन करके भक्तों को अपने प्रीतम प्यारे के अलावा और कुछ याद भी नहीं रहता था। बाबा जी का अपनापन देखिए कि साथ खड़े महापुरुष को याद दिलाते हुए कहने लगे, अंदर जाकर कुछ ले आओ ताकि बाद में परिवार का दिल न दुखे कि भोग नहीं लगाया। एक बार चंबा में कुछ ग्रामवासी संतजन बाबा जी के स्वागत में गोल घेरा बनाकर गीत गाते हुए स्थानीय लोक नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे। कुछ ही देर में उन्होंने बाबा जी को नृत्य में शामिल होने की प्रार्थना की। बाबा जी भी संतों के आग्रह पर उन्हें खुशी देने के लिए उनके द्वारा भेंट की गई वेशभूषा धारण करके नृत्य में शामिल हो गए और उन्हें भरपूर स्नेह दिया। हर भक्त का मन करता था कि काश उसके जीवन में भी वो क्षण आए जब बाबा जी के साथ उसे भी पल दो पल बिताने को मिल जाएं। एक बार दिल्ली में वार्षिक संत समागम के दौरान बाबा जी समागम की व्यवस्थाओं को देखते हुए रात को देर से लौट रहे थे। गेट पर ड्यूटी देते हुए सेवा दल के नौजवानों में से एक सेवादार ने आवाज दी, बाबा जी कदी साडे नाल भी चा पी लो जी। आप हंसते हुए गाड़ी से उतरे और सेवा दल के जवानों के साथ एक मित्र की तरह खड़े होकर चाय पीने लगे। आप सबको इतना अपनापन देकर खुशी प्रदान करते थे कि उसके सामने दुनियावी हर खुशी फीकी नजर आती थी। गुरुदेव के लाखों भक्तों में हर एक भक्त को ऐसा लगता था जैसे वही सद्गुरु की नज़र में अति विशेष है। करुण हृदय आपका अपने भक्त के प्रति वात्सल्य भाव दर्शाता हुआ एक दृष्टांत देखने को मिला जो कि स्वयं में अनोखा है। एक भक्त ने आपसे प्रार्थना की, जब भी आपका आगमन कानपुर शहर में हो तो दास के घर पर भी चरण डालने की कृपा करें। काफी समय गुजर जाने के बाद उसी संत के शहर में समागम होना निश्चित हुआ। तब तक वो भक्त भूल चुका था कि उसने कभी बाबा जी को घर आने का निमंत्रण दिया था। बाबा जी ने रात के कार्यक्रम के पश्चात स्थानीय प्रमुख से अगली सुबह उस महात्मा के घर जाने की इच्छा व्यक्त की। ये सुनते ही स्थानीय प्रमुख ने बाबा जी से विनती रखी कि लगातार बारिश होने के कारण उस मोहल्ले में चारों तरफ कूड़ा करकट व गंदगी सड़क तक फैली हुई है, अतः वहां जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, गाड़ियां कहीं दूर खड़ी करके पैदल चले जाएंगे। इस पर स्थानीय प्रमुख ने बाबा जी से कहा कि वहां की गलियां बहुत ही संकरी व दुर्गंध युक्त हैं, जहां एक बार में एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। बाबा जी बोले, कोई बात नहीं, एक एक करके निकल जाएंगे। बाबा जी के आगमन की सूचना पाकर
उस भक्त ने रातों रात अन्य भक्तों के सहयोग से गलियों को साफ करके उस क्षेत्र के वातावरण को गंदगी से मुक्त कर दिया। क्षेत्रवासी साफ सफाई देखकर चकित रह गए। बाबा जी उन संकरी गलियों में अपनी भावभीनी मुस्कान बिखेरते हुए उस संत के घर की ओर जा रहे थे। संकरे जीने व खिड़की नुमा दरवाजे को लांघकर जब आपने उस भक्त के घर में प्रवेश किया तो वहां पर उपस्थित सभी भक्तों की आंखें छलक आईं। उस महात्मा के हृदय के उद्गारों से सारा वातावरण ही भक्तिमय हो उठा। न मुरझाएं वो फूल लाऊं कहां से, मैं शबरी के वो बेर पाऊं कहां से, जैसे भी हैं हम तुम्हारे हैं दाता, स्वीकार कर लो ये श्रद्धा सुमन। बाबा जी साध संगत रूपी परिवार के एक एक संत का ख्याल रखते थे। एक बार इटली में सत्संग से पूर्व बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं थी। आपसे विनती की गई कि यदि आप इजाजत दें तो इस बार संगतों को दूर से नमस्कार करने दें, इससे समय कम लगेगा। तो आप कहने लगे, नहीं नहीं, दास तो कभी कभी आता है, दर्शनों की भूख जैसे संगतों को है दास को भी है, संगतों को खुशी मिलनी चाहिए। तबीयत नासाज होने पर भी आप हर संत को अपना प्यार दुलार एवं आशीर्वाद प्रदान करते रहे। भक्त और स्वामी के पावन रिश्ते को उजागर करते हुए आपने गुरु वंदना के सु अवसर पर फरमाया, ये एक तरफा प्यार तो नहीं है, फूल और भंवरे जैसा, पतंगे और शमा जैसा, चांद और चकोर जैसा, बल्कि ये दो तरफा प्रीत है, यही खींचे चली जाती हैं, दास को भी भगाए जा रही है और संगतें भी भाग भाग कर आती हैं। समागमों की समाप्ति से पूर्व आप अक्सर मैदानों में बने भक्ति भरे आनंदमय वातावरण की महक को अपने मन में भर लेने की प्रेरणा देते। तुम लुत्फ मुलाकात को आंखों में बसा लो, ये लम्हा मसर्रत का बिछड़ कर न मिलेगा। समदृष्टि ज्ञान की दृष्टि ही है, इस सृष्टि में समदृष्टि। सदगुरु बाबा जी समदृष्टि के पोषक एवं प्रेरक थे। आपको तो सिर्फ सबके हृदय में भरा प्रेम ही दिखाई देता था। आपके पास वो निगाह ही नहीं थी जो किसी का रंग रुतबा या पहनावे का फर्क देखे। आपके दिल में हर भक्त के लिए और हर भक्त के दिल में आपके लिए एक विशिष्ट स्थान था। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करके अपना बना लेने की सुंदर कला आपको खूब आती थी। आपका कथन था, दूसरा तभी छोटा दिखता है जब हम उसे दूर से या गुरूर से देखें। समदृष्टि से देखने से ही इंसान और इंसान के बीच समीपता पैदा होती है और सच्ची खुशी मिलती है। दिल्ली में निरंकारी सरोवर पर एकत्व के फव्वारे के निर्माण कार्य के समय बाबा जी के साथ निर्माण संबंधी कुछ चर्चा हो रही थी। बड़े बड़े इंजीनियर और डिजाइनर अपना अपना मत दे रहे थे। पास खड़े एक मजदूर संत के मुख से अचानक ही एक सुझाव निकला जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस समय आपने किसी को कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद आप धीरे धीरे टहलते हुए उस मजदूर संत की ओर बढ़े और प्यार से उसका सुझाव पूछने लगे। भावों के कद्रदान आप छोटे बड़े विद्वान अशिक्षित अमीर गरीब आदि सब की भावनाओं को एक समान अहमियत देते थे। एक बार सेवा दल रैली में किसी शहर के नौजवान द्वारा सेवा पर आधारित एक नाटक पेश किया गया। उसमें एक संत जिनका शरीर कद में काफी छोटा था, उन्होंने अपने अभिनय से सेवा भाव को प्रदर्शित करके सदगुरु व संतों को प्रसन्न किया। रात को जब आप रिहायशी टेंटों में दर्शन देने गए तो एक महात्मा ने उस छोटे कद वाले संत की ओर इशारा करके कहा, बाबा जी ये संत वही बौना है जिसने सेवा दल रैली में अधिकारी का रोल किया था। बाबा जी ने गंभीरता से उनकी ओर देखा और कहा, वो नाटक था, लेकिन असल में इनका कद बहुत ऊंचा है। आपको किसी के बारे में कोई भी हल्का शब्द सुनना पसंद नहीं था। आप फरमाते थे, ये दुनिया ईश्वर का परिवार है, इसलिए आत्मदृष्टि से देखना अनिवार्य है। आंध्र प्रदेश कल्याण यात्रा के दौरान आप किसी छोटे से गांव में
जिन भक्तों के घरों में गए उनमें मिट्टी की दीवारें, सूखी घास की छत और गोबर से लिपा आंगन था। साथ चलने वाले भक्त भयंकर गर्मी से बेहाल हो रहे थे, लेकिन सदगुरु बाबा जी के चेहरे पर नूरानी मुस्कुराहट थी। श्रद्धालुओं के घरों में चरण डालने के पश्चात जब आप गाड़ी में बैठे तो आपने देखा कि एक श्रद्धालु हाथ जोड़े खड़ा रो रहा था। आप तुरंत गाड़ी से नीचे उतरे, उसने अपने घर की तरफ इशारा किया और सदगुरु पैदल ही उसके साथ चल पड़े। बड़ा ही अनोखा दृश्य था भक्त की प्रीत का। बाबा जी भी ऐसी सहजता से घर के अंदर चले गए मानो उन्हें वहां पहले से ही जाना था। उसने धान के पुआल से बने पीढ़े पर बाबा जी को बिठाया। साथ वाले संत जब थोड़े नजदीक पहुंचे तो देखा कि उनकी उंगलियों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। सबके मन में उथल पुथल हुई कि पट्टियां क्यों बंधी हैं, शायद ये कुष्ठ रोगी हैं। बाबा जी उसे अपने पास बुलाकर प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे और उसकी अश्रुधारा बहती रही। जब बाबा जी सामने बैठे थे और वो स्वामी गारू कहते हुए अपने ही भाव में मगन होकर नाचता जा रहा था तो ये नजारा देखकर सभी की आंखें सजल हो उठीं। आप प्रेम में भीगे भक्तों को देखकर कह दिया करते थे, झरने बहते हैं और बलखाती नदियां भी बहती हैं, किंतु पानी में कोई बल नहीं है। गन्ने के तने लंबे व टेढ़े भी होते हैं, किंतु रस हमेशा मीठा होता है। भक्त भी ऐसे ही होते हैं, उनकी भक्ति भावना सदैव एक सी रहती है, भले ही वो कुटिया में रहें या फिर महलों में। पानी चाहे सोने के गागर में हो या माटी की गागर में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्यास पानी ने बुझानी है, गागर ने नहीं। आप समदृष्टि को वर्तमान समय की बुनियादी आवश्यकता मानते थे। आपका मानना था कि ये भाव न होने के कारण ही आज हिंसा और वैर भाव नजर आते हैं। सार्वजनिक स्थानों और यातायात के साधनों से यात्रा करते समय कोई भेदभाव नहीं रखा जाता, परंतु भक्ति में भेदभाव रखा जाता है। जब हरि को अपना लिया है तो सभी मेरे हैं, कोई पराया नहीं। ऐसे में सहज प्रेम उपजता है। आपने धर्म के मर्म को समझते हुए कहा, इंसान को इंसान के करीब लाने वाला ही सच्चा धर्म होता है। ब्रह्म ज्ञान से ही समदृष्टि और सबके प्रति सद्भावना का जन्म होता है। सब धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखने वाले गुरुदेव के लिए सृष्टि का कण कण ही परमात्मा से भरपूर था। आप प्रेम से बुलाए जाने पर सब जगह चले जाते थे। विभिन्न धर्मानुयायी बाबा जी का आदर सत्कार अपने अपने ढंग से करते थे। आपकी ये सर्वधर्म प्रियता ही थी कि आप सहर्ष उनके सत्कार को स्वीकार कर लेते थे। कल्याण यात्रा के दौरान एक बार आपका किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर जाना हुआ। वहां के मुख्य पुजारी ने आपको पूजा स्थल पर आने के लिए आमंत्रित किया। आप व माता जी उसे सहर्ष स्वीकार करते हुए जब वहां पधारे तो वहां के प्रमुख धर्माधिकारी ने परंपरागत रीति से आपका भव्य स्वागत किया। हुजूर ने बड़ी श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण किया और उस स्थान की महिमा का वर्णन बड़े ध्यान से सुना। आप जब इटली पहुंचे तो वेटिकन सिटी के ईसाई प्रधान के आमंत्रण पर उनके घर गए। उन्होंने हृदय से आपका सम्मान किया। निस्संदेह किसी भी धर्म के अनुयायी जब भी आपसे मिलते तो आपकी स्वच्छ झरने के समान बहती निर्मल प्रेम की धारा में भीगते चले जाते थे। बर्मिंघम स्थित एक मंदिर में आमंत्रित किए जाने पर जब आप वहां पहुंचे तो सारा वातावरण आपके जयघोष से गूंज उठा। अनेक पंडितों ने नंगे पांव गोलाकार समूह में गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरः इस श्लोक के उच्चारण द्वारा आपकी आरती उतारी। आपके आनंदमय स्वरूप का स्थानीय लोगों पर इतना सुंदर प्रभाव पड़ा कि वो आपका झुककर अभिवादन करने लगे। एक बार आपके कनाडा जाने पर वहां के महापुरुषों ने घरों में चरण डालने के लिए विनती की। एक घर में बाबा जी के मस्तक पर तिलक लगाकर आरती उतारी गई। वहां एक मुस्लिम सज्जन भी मौजूद थे जिनके घर दूसरे दिन गुरुदेव आमंत्रित थे। बाबा जी
जब उनके घर गए तो उन्होंने आदरपूर्वक बिठाया और वो सज्जन कहने लगे कि बाबा जी, ये मिशन विश्व बंधुत्व का संदेश देता है। तो बाबा जी ने कहा, हाँ जी। अब उन्होंने वो प्रश्न पूछा जो पिछले दिन से उनके मन में था। कल जो आपका स्वागत हुआ उससे लगता है कि आप हिंदू हो, क्योंकि आपको तिलक लगाया गया और आपकी आरती उतारी गई। बाबा जी ने कहा, कल दास उनके घर गया था और जैसा उनको अच्छा लगा उन्होंने दास का स्वागत किया। दास ने उन्हें रोका नहीं। आज दास आपके घर आया है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कीजिए, दास आपको भी नहीं रोकेगा। बाबा जी के इस अपनत्व भरे उत्तर को सुनकर वहां उपस्थित हर सज्जन ने महसूस किया कि आप कितनी सरलता से सभी धर्मों, जातियों, खान पान की परंपराओं को समान रूप से अपना कर सबको अपना बना लेते हैं। निसंदेह आपने धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं इस नारे को जीवंत रूप प्रदान किया। सेवा भाव, मानव सेवा ही परमात्मा की सेवा है। बाबा जी एक दूसरे के प्रति सेवा और सत्कार के भाव को मानवता की पहली निशानी बताकर स्वयं अपने आचरण से दूसरों का सम्मान करने की शिक्षा देते रहे। बहन निरंजन जी के अनुसार इनका सेवा भाव शुरू से ही इतना प्रबल था कि जब ये छोटे थे तब भवन में कोई महापुरुष आते तो आगे बढ़कर उनका सामान उठाकर कमरे तक छोड़कर आते, उनके भोजन आराम आदि की व्यवस्था का ध्यान चुपचाप स्वयं ही रख लेते। इतनी छोटी उम्र से ही उनकी सोच इतनी ऊंची थी कि भवन में आने वाले महापुरुषों की सेवा और सत्कार होना चाहिए। एक बार बाबा गुरुबचन सिंह जी ने टहलते हुए गुरुबचन निवास की खिड़कियों की सफाई की और संकेत किया। सबने सोचा कि कल सुबह किसी सेवादार से सफाई करवा देंगे। आपके साथ हमेशा रहने वाले महात्मा की सुबह 4 बजे आंख खुली और उन्होंने देखा कि आप बिस्तर पर नहीं हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो आपको ढूंढने के लिए बाहर गए और क्या देखते हैं कि आप अकेले ही खिड़कियों व दरवाजों को साफ कर रहे हैं। बचपन से ही आप में सेवा भावना इस तरह से समाई हुई थी कि गुरु का हर इशारा आप बिना कुछ कहे समझ जाते थे कि सेवा की अब कहां जरूरत है। वर्कशॉप में जरूरत होती तो वहां उपस्थित हो जाते, सरोवर में जरूरत होती तो वहां पहुंच जाते, कोई वाहन चालक नहीं मिले तो गाड़ी चलाने को तैयार हो जाते। इस तरह से आप सेवा करते हुए सबके दिलों पर छाप छोड़ते गए। सदगुरु रूप में अवतरित होने के बाद भी बाबा जी अपनी युवावस्था में की गई तन मन धन की सेवाओं का स्मरण कर अक्सर कह दिया करते थे, दास जब इन जवानों को सेवा करते देखता है तो दास का मन भी करता है कि दास भी वर्दी पहनकर सेवा करे। आपके मुख से ये भी सुना कि दास आज भी उन छालों को तरस जाता है जो बाबा गुरुबचन सिंह जी के समय मसूरी भवन पर महापुरुषों के साथ मिलकर सेवा करते समय हाथों में पड़ जाते थे। आपने केवल उपदेश देकर नहीं बल्कि स्वयं कर्म करके सेवा की अनगिनत मिसालें पेश की। तेज बारिश की वजह से मसूरी भवन की नाली बंद हो जाने पर आप बिना बताए ही छाता लेकर नाली में से कूड़ा हटाने लगे। जब आपसे विनती की गई के बाबा जी ये कार्य कोई सेवादार कर देगा तो आपने सहज ही कह दिया, नहीं वो जरा से तिनके फंसे हुए थे, पानी भवन में आ रहा था तो दास ने निकाल दिए। आपकी दृढ़ मान्यता थी सेवा से प्रफुल्लता आती है, सेवा करने वाले ही आनंद का एहसास करते हैं। आपका सादगी युक्त सेवा भाव दिलों को छू लेता था। एयरपोर्ट पर साथ चलने वाले सेवादारों का इंतजार ना कर आप स्वयं अपने सूटकेस इत्यादि उठाकर ट्रॉली पर रख लेते, किसी को आदेश न देकर नल या बिजली के सारे स्विच स्वयं बंद करना, मिलने आए महापुरुषों के लिए स्वयं पेंट्री में जाकर जलपान आदि की व्यवस्था के लिए कहना, मीटिंग में किसी के सम्मुख माइक न होने पर स्वयं अपना माइक उसके मुख के आगे हाथ में पकड़कर बैठे रहना आदि छोटे बड़े कार्य स्वयं करके कर्म योग का पाठ पढ़ाते रहे। आपका माता पिता की सेवा करना भी दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता था। राजमाता जी के कल्याण यात्रा से आने पर उन्हें स्टेशन
या हवाई अड्डे से लेने जाना, राजमाता जी का हाथ पकड़कर उन्हें मुख्य मंच पर लाना, उनके विराजमान होने के पश्चात ही अपना आसन ग्रहण करना इत्यादि माता के प्रति आपकी श्रद्धा भाव का प्रमाण थे। आप सेवादारों की भी सेवा और सत्कार करने में पीछे नहीं रहते थे। एक बार निरंकारी भवन की ऊपरी मंजिल पर देर रात सेवा कर रहे एक नौजवान के पास एक अन्य सेवादार ने जाकर खाने के लिए सैंडविच की प्लेट देते हुए कहा कि ये बाबा जी ने आपके लिए भेजा है। तो उस नौजवान की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कहने लगा, अभी दूसरी शिफ्ट वाले सेवादार पहुंचे नहीं थे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, बस यूं लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगा। सेवादारों की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल भी आपको भरपूर रहता था। गाड़ी रुकवाकर सेवादारों से स्वयं पूछते, आपने कुछ गर्म कपड़े नहीं पहने, मौसम ठंडा है, खुद शॉल और स्वेटर मंगवा कर देते। सदगुरु बाबा जी के शब्दों में, हमें हमेशा हर एक महापुरुष का सत्कार करना है, सत्कार में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, ये एक गुरुमत का महान उसूल है। इस उसूल को हर एक ने हृदय में बसाना है, तभी कोई सही मायनों में गुरुमुख बन सकता है। आप वार्षिक संत समागमों के दौरान भरी ठंड में देर रात भी रिहायशी टेंट में जाकर ये सुनिश्चित करते कि संगतों की सुविधाओं का उचित प्रबंध हो। आप अपने भक्तों को स्वयं इतना सत्कार देते थे कि आज भी आपकी दूसरों को सम्मान व पहल देने की बातों को याद करके असंख्य भक्तों की आंखें भर आती हैं। इंटरफेथ हार्मनी कॉन्क्लेव में बाबा जी की सहृदयता तब उजागर हुई जब प्यास लगने पर आपने खुद पानी पीने से पहले अपनी बोतल से गिलास भरकर साथ बैठे एक धर्म गुरु को आदर पूर्वक प्रस्तुत किया और उसके बाद ही स्वयं पानी पिया। देखने में ये बात छोटी सी थी, लेकिन मुख्य मंच पर घटित होने वाली ऐसी बातों का संदेश बहुत गहरा और दूरगामी था। देश विदेश से आए विशिष्ट सज्जन बाबा जी के इस मनोहारी व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। जिस धर्म गुरु को बाबा जी ने पानी पीने का आग्रह किया था, उनके ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने इसका उल्लेख अपने वक्तव्य में भी किया है। जगत का वातावरण भक्तिमय बनाने हेतु आप जितना तप स्वयं करते थे, उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आप स्वयं हावड़ा लेकर मैदानों में सेवा का शुभारंभ कर सेवा का महत्व सिखाते। लगभग 2 माह तक चलने वाली सेवा में आप समागम के मैदानों में जाकर सारी व्यवस्था देखते, ताकि सभी भक्तों को सुख सुविधा व सहूलियत मिल सके। समतल भूमि का परीक्षण स्वयं करते कि कहीं कंकड़ पत्थर तो नहीं है जो महात्माओं को चुभ जाएं। इतनी गहराई में जाने का भी ये परिणाम होता था कि उन व्यवस्थाओं में कोई त्रुटि शेष नहीं रहती थी। आपका कहना था कि जिस तरह क्रिकेट मैच में कुशल फील्डर कठिन से कठिन मैच को भी लपक लेते हैं, उसी तरह सेवा के अवसरों को भी दौड़ दौड़ कर प्राप्त करना चाहिए। चाहे एकत्व की दौड़ का आयोजन हो, रेलवे स्टेशनों अस्पतालों के सफाई अभियान हो या वृक्षारोपण अभियान, आप भक्तों को उत्साहित रखने के लिए उनका नेतृत्व स्वयं करते थे। आप समझाते थे कि सेवा में ये भाव नहीं होते कि कोई एहसान किए जा रहे हैं, क्योंकि एहसान बेगानों पर किए जाते हैं। अगर हम सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं तो वहां पर एहसान नहीं हुआ करते, वो जिम्मेदारी होती है। मिशन की हर प्रकार की गतिविधियों, समाज सेवा, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में आप सर्वत्र पहल करते दिखाई देते। स्कूल कॉलेज, सरोवर परिसर तथा सत्संग भवनों के नक्शों से लेकर विश्व स्तरीय संत समागमों की सेवाओं आदि में हमेशा अपना बहुमूल्य योगदान देकर आप जीवन पर्यंत सेवा की एक अनूठी मिसाल बने रहे। आप ये जागृति भी प्रदान करते रहे कि सेवा के प्रभाव जरूर होते हैं, लेकिन प्रभाव डालने के लिए सेवा नहीं की जाती, यश की लालसा से नहीं, सहज भाव से सेवा हो। वर्ष 2013 में आपने वार्षिक संत समागम से पूर्व होने वाली सेवाओं का वर्णन अपने प्रवचनों में कुछ इस प्रकार किया, महीने भर से जो मैदानों में आने का मौका मिल रहा है,
तो भले ही दास को कोई कस्सी, फावड़ा और तसला उठाने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन इन मैदानों से होकर जब दास हाथ धोता है तो पूरी की पूरी कालिख वो मिट्टी वाला रंग होता है, क्योंकि सेवा के मैदानों में गुजरते हुए अक्सर हजारों हजारों गुरसिखों का इस प्रकार से हाथ को छूना व हाथ पकड़ना होता है। और केवल मिट्टी गारा ही नहीं, लंगर का भी इस प्रकार से अनुभव हो जाता है, क्योंकि आटे वाले हाथ भी लगते रहते हैं। तो दास यही महसूस करता है कि केवल अगर अभी उनके हाथ ही दास को छुए हैं और दास को इतना आनंद आ रहा है, तो वाकई ये जो तसले उठा रहे हैं, ये भले ही कीचड़ में घुटने तक पानी में उतरे हुए हैं, ये कितना आनंद प्राप्त कर रहे होंगे। आप साध संगत को सिर का ताज मानते थे, स्वयं सदगुरु होते हुए भी साध संगत की अनेक रूपों में सेवा हेतु तत्पर रहते थे। संगत में आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए साध संगत की सुंदरता, सुविधा व सुगमता बढ़ा रहे होते थे। मुख्य मंच पर शोभायमान होने पर भी आपको बुजुर्गों के बैठने की व्यवस्था से लेकर पंक्तियों की सुचारू व्यवस्था तक न जाने कितनी ही सेवाओं का हमेशा ध्यान रहता था। आप सेवा भावना से भरे असंख्य संत रूपी फूल खिलाकर पूरी धरती को महकाते रहे। विनम्रता, विनम्रता से ही जीवन में निखार आता है। बाबा हरदेव सिंह जी नम्र एवं महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। आप हृदय से ही झुकने पर बल देते थे। जब भी किसी से मुखातिब होते तो उसके सांसारिक रुतबे या कद को एक तरफ रखकर आप स्वयं झुककर बात करते थे। आपका कथन था, जब कोई झुकता है तो समझना चाहिए कि वह ऊंचाई की तरफ जा रहा है। केवल शरीर झुक गया परंतु मन नहीं झुका तो भी बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि मन ही वो धरती है जिसमें से नम्रता और अभिमान दोनों के बीज पनपते हैं। मन झुका फिर तन झुका तो समझो कि प्यार, नम्रता, सत्कार, सहनशीलता और विशालता के सारे गुणों की महक बिखर गई। और यदि केवल शरीर ही झुका तो समझो कि आपका व्यक्तित्व कागज के फूलों के समान है जो खिले हुए तो दिखाई देते हैं किंतु उनमें कोई खुशबू नहीं होती। बाबा जी ने विनम्रता का एक और लाभ बताया। दुनियावी तौर पर भी देखें कि शोहरत मिलने पर अगर विनम्रता साथ बनी रहती है तो वो शोहरत भी कायम रहती है। इधर नम्रता छोड़ दें उधर शोहरत भी फीकी पड़ जाती है। इसलिए हमारी नम्रता बनी रहे, सत्कार का भाव हमेशा बना रहे और हम छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें। सच्ची वंदना, बंदगी, भक्ति या इबादत उसी को कहते हैं जब हम केवल शब्दों को दोहरा कर नहीं बल्कि सही मायनों में उनका पालन कर फूल चढ़ाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। विश्व के कितने ही धर्मानुयायियों से जब आप मिलते तो वो आपके दैवीय आकर्षण को देखकर सहज ही झुकना चाहते, परंतु प्रायः आप इससे पहले ही उनका हाथ अपने हाथ में लेकर झुककर उन्हें स्नेहपूर्वक अपनापन दे देते। आपसे मिलकर अक्सर लोग कह देते थे कि आप उनकी जिंदगी में मिलने वाले सबसे विनम्र और दिव्य पुरुष हैं। सदगुरु रूप में प्रकट होने के बाद भी आप बड़ों के सम्मान में स्वयं झुक जाया करते थे। दिल्ली से कल्याण यात्रा के लिए रवाना होने से पहले आप हमेशा बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही जाते। आपका कथन था, इस मस्तक की महत्ता तभी है अगर ये मस्तक चरणों की कद्र करता है। अगर महापुरुषों की चरण रज नहीं ली तो ये सिर होना न होना एक बराबर है। ऐसा भी देखने में आता था कि यदि कोई बुजुर्ग किसी लंबी बीमारी के कारण आपके दर्शन करने या सत्संग में नहीं पहुंच पाते तो कभी कभी आप स्वयं उनके घर जाकर अपना प्यार दे आते। बुजुर्ग भी बच्चों की तरह आपका हाथ पकड़ लेते और आपके गले लगकर अपना दिल खोल देते। एक बार दिल्ली में एक बुजुर्ग माता ने आपसे विनती की, बाबा जी अब जीवन में सारे काम पूरे हो गए और अब हम चल फिर भी नहीं सकते हैं तो अब हमारा क्या काम है, अब आप हमें जाने की इजाजत दें। आपने बड़े स्नेह से उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब आपका काम है सबको आशीर्वाद देना। बाबा जी ने
गुरसिखों को नम्रता पूर्वक सबका सम्मान करने की अनगिनत प्रेरणाएं दी। सन 1996 में गुजरात में आयोजित सत्संग समारोह में किसी संत ने अपने विचारों में किसी पुरातन संत के नाम का उच्चारण अति साधारण ढंग से कर दिया। चूंकि आप सभी संतों महापुरुषों के प्रति असीम श्रद्धा और आदर का भाव रखते थे तथा बच्चों के नाम के आगे भी जी लगाकर संबोधित करते थे, तो सत्संग के बाद जब वो वक्ता आपको नमस्कार करने आए तब आपने बड़े प्यार से कहा, आप जी बहुत अच्छा बोले, लेकिन यदि पुरातन संत महापुरुषों के नाम के आगे जी लगाकर आदर पूर्वक संबोधित किया जाए तो और भी अच्छा रहेगा। इस तरह सद्गुरु बाबा जी छोटी छोटी शिक्षाओं द्वारा सही अर्थों में सम्मान करना सिखाते रहे। अति विनम्र गुरुदेव को किसी का ऊंची आवाज में बोलना पसंद नहीं था। आपकी भक्तों से यही अपेक्षा रहती थी कि उनकी वाणी में मिठास तथा छोटे बड़े सभी का आदर सत्कार हो। आपके पास दो या तीन अलग अलग संत आकर यदि एक ही समाचार दोहरा देते तब भी आप उनकी बात को ध्यान से सुनते, मानो पहली दफा ही सुन रहे हों। ये प्रेम युक्त खामोशी शायद इसलिए थी कि कहने वाला व्यक्ति मायूस ना हो। साथ खड़े संत ये सोचने पर विवश हो जाते कि बाबा जी में कितना धैर्य है। आपके अनुसार यदि हमारे न्यूनतम शब्दों के प्रयोग और अधिकतम सुनने से भी किसी को खुशी मिल सकती है तो उसे वो देनी चाहिए। उल्फत निभाने की अदा आपको क्या खूब आती थी, जो अल्फाज न कह पाए आपकी खामोशी कह जाती थी। आप दूसरों की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते थे। यदि कोई आपके सम्मुख गलती से स्वयं की प्रशंसा करता चला जाता तो भी आप उससे सहमति जताते और पूरी दिलचस्पी से उसे सुनते, उसमें आत्मविश्वास जागृत करते। लेकिन जब वो देखता कि आप अपने बड़े से बड़े कार्यों का जिक्र भी इतने संकोच व विनम्रता से कर रहे हैं तो वो आपकी महानता के सम्मुख स्वयं नतमस्तक हो जाता और भविष्य में आत्म प्रशंसा न करने की सीख ले लेता। एक बार गुजरात राज्य के प्रांतीय समागम के लघु कवि दरबार में मंच पर उपस्थित कवियों में से पहले कवि ने सद्गुरु बाबा जी की खूब प्रशंसा भरी कविता पढ़ी। इसके उपरांत दूसरे कवि सज्जन ने भी जैसे ही आपकी दिव्यता का स्तुतिगान करना आरंभ किया, वैसे ही आपने समीप खड़े संत को बुलाया और अगले कवियों की कविताओं का विषय देखने के लिए कहा। आपने कहा कि इन दोनों कविताओं में दास की ही प्रशंसा की गई है, किंतु कविताओं के माध्यम से मिशन का प्रेम और मानवता का सत्य संदेश ही दिया जाना चाहिए। विनीत भाव आपके व्यक्तित्व में रचा बसा था। आपका कहना था, भक्त कितने बड़े बड़े योगदान देता है फिर भी कभी अपने आप को गिनवाता नहीं है, बल्कि अपने आप को गंवाता है। जब अपनी तरफ से गंवाया तो प्रभु की तरफ से वो गिनती में आ गया। हमारा जीवन जीवंत संदेश दे, ग्रंथ की तरह बोले, दास भाव हमारे जीवन से प्रतिबिंबित हो। दास भावना के पोषक आपने हमेशा स्वयं को परम सत्ता का केवल दास ही माना। ये आपके महान व्यक्तित्व का प्रमाण देता रहा। जिस तरह निरंकार परमात्मा ने सृष्टि के कण कण में स्वयं को छुपाया हुआ है, उसी प्रकार सद्गुरु बाबा जी स्वयं को दास कहकर छिपाते रहे। आप स्वयं को जितना छिपाते रहे उतना ही आपके भक्तजन आपको प्रकट करते रहे और अपना इष्ट मानकर आपके सम्मुख नतमस्तक होते रहे। भक्तों के मुख से आपके लिए अक्सर यही सुनने को मिलता है, सब कुछ जाने बूझे फिर भी बनता है अनजान, बंदों में बंदा बनकर बैठा है जानी जान। आप इतने विनम्र थे कि छोटे से छोटे बच्चे के मुख से निकली बात को भी मान लेते थे। एक बार आप किसी के घर गए, वहां एक बच्चे ने आपसे कहा, बाबा जी आप इस सोफे पर नहीं मेरे पास आकर बैठिए। बाबा जी उठे और उसके पास जाकर बैठ गए। कुछ ही पल में छत का पंखा उसी सोफे पर आ गिरा जहां बाबा जी पहले बैठे हुए थे।
बच्चे के मुख से सहज ही निकला, बाबा जी मैंने आपको बचा लिया। आपने मुस्कुराकर बड़ी विनम्रता से कहा, क्योंकि मैंने आपकी बात मान ली। इस प्रकार आपने उसको सहज में ही आज्ञा पालन की सीख भी दे दी। आजीवन नम्रता का पाठ पढ़ाने वाले गुरुदेव के अनुसार, जो आदमी नम्रता में नहीं आता वो महान नहीं बन सकता, क्योंकि जहां नम्रता नहीं है वहां भक्ति भी नहीं है। नम्रता में न रहने से वो अहंकारी बन जाएगा, उसके हृदय में द्वेष और दूसरों को नीचा दिखाने की भावना आ जाएगी। बाबा जी ने ज्ञानवान महापुरुषों के बीच नम्रता पूर्वक झुकाव वाली धन निरंकार करने की खूबसूरत क्रिया को सुख समृद्धिदायक एवं क्षमा प्रदायक बताया। एक पत्रकार फोटोग्राफर बहन संत समागम के दौरान बाबा जी के अनेक फोटो खींचती जा रही थी। एक संत ने जब उनसे पूछा कि आप सदगुरु बाबा जी के इतने अधिक फोटो क्यों ले रही हैं, तो उसने उत्तर दिया कि मैं देखना चाहती हूं कि जब उनका जय घोष होता है, वक्ता या कविगण इनका यशोगान करते हैं, तब इनके चेहरे पर कैसे हाव भाव होते हैं। किंतु मैं हैरान हूं कि वाकई इन पर किसी प्रकार की प्रशंसा या हजारों की जय जयकारों का कोई प्रभाव ही नहीं होता। इससे जाहिर होता है कि ये दिव्य विभूति हैं। आपकी सादगी भरी शिक्षाएं सबके अंतर्मन को छू जाती थीं। ऊंचा वो नहीं है जो मंच पर बैठा हुआ है, अगर दरी पर बैठा हुआ है, जोड़ों पर बैठा हुआ है, पर उसके भाव उत्तम हैं, तो वो ऐसे ही है जैसे वो मंच पर बैठा हुआ है। उसकी अपनी ऊंचाई है। सभी बच्चे बच्चे का सत्कार करते रहें, कहीं पर भी बड़प्पन की कोई जरा सी भी धूल ना आने पाए। हम निमाणे बनकर दास भावना से युक्त होकर अपना बड़प्पन बनाएं, एक मस्कीन बनकर अपना कद ऊंचा करें, हमारा जीवन एक मुंह बोलती तस्वीर बनता चला जाए। एक बार बीकानेर राजस्थान में आकाशवाणी के निदेशक संगत में आए। संगत के बाद उन्होंने आपसे जिज्ञासावश प्रश्न किया, बाबा जी इस समागम में बैठे हुए संतजन आपको भगवान की संज्ञा दे रहे थे और आप अपने विचारों में स्वयं को दास बतला रहे थे, तो ये क्या है, कुछ समझ नहीं आया। गुरुदेव ने फरमाया, भक्तों के भाव तो वो ही जाने, लेकिन दास तो खुद को घट घट में विराजमान निरंकार का दास ही मानता है। होकर सबसे खास कभी ना खास बना तू, सबका मालिक होकर भी बस दास बना तू। आप कथनी की अपेक्षा करनी पर बल देते हुए फरमाते थे, खुद को दास कह देने से कोई दास नहीं हो जाता, जो स्वयं को मिटा देता है वही सच्चा दास होता है। 22 जून सन 1980 को चंडीगढ़ में दास भावना की जरूरत समझाते हुए बाबा जी ने फरमाया, इस दास भावना से इंसान की शक्ति भले कामों में लगती है और दूसरों को सुख देने वाली होती है। हमें अपनी सारी ताकत दास भावना को अपनाने और पनपाने में लगाना चाहिए। आपने एक अन्य अवसर पर फरमाया, जहां अभिमान होता है वहां बात बढ़ जाती है और जहां हलीमी होती है वहां बात बन जाती है। जो अभिमान को हार कर विनम्र हो जाता है वो हीरे के समान हो जाता है। प्रसिद्ध तो बहुत लोग हो जाते हैं, किंतु सत्कार वही पाते हैं जिनका जीवन निखरा हुआ होता है। अनंत गुणों के भंडार बाबा जी आजीवन यही सिखाते रहे कि दास बनकर ही सीखा जा सकता है। 23 फरवरी सन 2004 को गुरु पूजा दिवस के शुभ अवसर पर आपने फरमाया, दास साल या उम्र के बारे में कुछ नहीं जानता, बस यही महसूस होता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो सीखना बाकी है। सदगुरु होकर भी आप में जब इतनी दास भावना और अदबो तहजीब आपके भक्त देखते तो वो नतमस्तक हो जाते और भक्तों की विनम्रता व दास भावना कई गुना बढ़कर प्रकट होती थी। आपका विशाल और संपूर्ण दिव्य जीवन सभी के लिए युगों तक सदाचार का प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।